एक बात बताऊं धर्म भाई। सुना भाई सत्पाल। हमारे विवेक की किस्मत बहुत बढ़िया है। हाँ। जो यह इतनी सुतरी और बढ़िया बहू आई ना हमारे पढ़ी लिखी और हाँ। इतना काम करने वाली भाई पूछे ना। एक बात बताऊं। हाँ बता भाई। राजवीर ने अपने बालकों में संस्कार पूरे भर रखे। अरे हमारा तो घर पूरा स्वर्ग बन गया। चार चांद लग रहे इस घर में। हाँ ये तो बात है भाई, तुम्हें तो पता ही है। जहाँ मैं पेपर मिल पे काम करो करू था, वहीं उस छोरी का भाई भी काम करा करा था मुकेश। और राजवीर ने दोनों बालकों को बहुत ही बढ़िया ढाल पढ़ाया। गरीब जरूर हैं, पर पढ़ाई में कमी नहीं छोड़ी। इतना काम होने के बाद भी छोरी की शादी में कितनी जगह देखने गया हो। पर जहाँ भी गया वहीं दहेज की बात पहले उठ जाती। भाई इन दहेज लोभियों ने तो इस मारे पूरे समाज का नाश कर रखा। एक बात बताऊं मैं तुझे। बता भाई। तने अगर ये अमीर भिकारी ना देखे हो ना, तो इन दहेज लोभियों को देख ले। ये भिकारी बस अमीर है, लोंडा क्या पढ़ा दिया। इन्हें छोरी भी दो और 10-20 लाख रुपए भी दो। सही बात कह रहा, चाहे इससे पूछ ले। अजी जो यू पढ़ा लेगा समाज हमारा, इस पढ़े लेगा समाज ने बेड़ा गरा कर दिया। बात बिल्कुल सही कही। हाँ, नुई है। नुई हो रहा। ए बेटी तेरा सुहाग जीता रहे, कहाँ है वो तेरी बुढ़िया। यूरी बुढ़िया, बुढ़िया ना हुई हूँ अभी। अभी तो नई नवेली बहुआ से पानी भरवा दूंगी। मिल गया तो मैं सौंप तो बहू देखन का। अरे विवेक की मम्मी, हमारी बहू बीमार चल रही थी और घर का सारा काम डांगरू डोरू का, बच्चों का सारा मुझे देखना पड़ रहा। ले बहू। और मैं तो थारी बहू को भी हाली कुछ देख आई। दोबारा आई है मेरी बहू को नहीं आई। दोबारा आ जाएंगे, कोई बात ना। अच्छा भाई चले सतपाल। अरे चला जाइए घर में, चाय आन लग रही, चाय पी के जाइए। अरे चाय मेरे यार अब तो पीती चाय। अरे और पी लिए। अरे चाय कहाँ रहेगी भाई। ए सीमा बेटी तू चाय बना ले, विवेक के पिताजी ने भी बहुत देर से दमैया दे रखा चाय को। जा ए बीबी तुम आ जाओ अंदर बैठो, चाय पी के जाइयो। ठीक है जी, आ जाओ। ए लाजो बहू बहुत सुतरी है तेरी। हाँ सुतरी भी है, पढ़ी लिखी भी है और सारा काम घर का करे। मुझे तो काम बिना करन देती हूँ, कमेरी बहुत है। ऐसा बालक तो ढूंढे से भी ना मिलता। पर मेरी किस्मत लगा लो या मेरे बेटा की किस्मत लगा लो, जो हमें ऐसी बहू मिली है। और बिचारी भी घर माँ की है, पर मैं उसे माँ की कमी ना होन दो। सही बात है, अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। रखनी भी चाहिए। हाँ जी, आपको बहू का ध्यान रखना है, उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने देना बिल्कुल भी। आप इतने प्यार प्रीत से रखना उसको के माँ की कभी याद ही ना आए। ठीक कह रही हो तुम। और सुनाओ बाल बच्चे ठीक है। हाँ जी ठीक है। आप भी ठीक है। हाँ चाय ले लो, ले लो तुम भी। सीमा तू भी ले ले अपनी चाय, मैं नीचे चाय दिया हूँ, तू बैठ के यही पी ले। जी मम्मी। इसे उठा ले, बैठ जा। ताई जी नमस्ते। नमस्ते बेटे, खुश रहो। इमोना विवेक का तो ओलिया तेरा कब नंबर है। भाभी तू मारी छोड़ तो यू बता, मारी भाभी कैसी लगी। ये तो बहुत सुंदर है। भाभी तो बहुत सुंदर है, भाभी की तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इतनी तो गांव में कोई भी पढ़ी लिखी ना जितनी मारी भाभी पढ़ी लिखी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे के लिए भी बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। एक बात तो है धर्मे भाई, बालकों का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। सही कहे भाई। लो चाय, चाय चाय टकराते रहो, सवेर से चौथा ये चाय बन के। कुछ काम धाम भी देख ले करो, इस हुक्के से चिपके रहे हो। अरे क्यों धुए ठारी, वो विवेक कहाँ है, तड़की ते ना दिखा है। अब लो पड़ा संडरा ही रहा है क्या वो। सवेरे 4 बजे चला गया खेत पे, जब लाइट आई जब ही चला गया। तमें तो नहीं दिखे, काम हिल्ला कुछ है ना। देख ले भाई आजकल की बीरबानी, एक मारे वा इतनी बढ़िया बहू आई। अरे क्या, अरे भाई ये तो सतपाल सबके यही खाड़े हैं, क्या करें। लो चाय लो। ले भाई। बिजली भी टिक के नहीं चल रही, सूरज सिर पे आ लिया। चल घर रोटी खाया हूं। जैकी, 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 जैकी।
जैकी, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इतने दिन हो गए तुमसे मिले हुए भी। मेरा भी तो मन नहीं लग रहा मेरी डार्लिंग। तू एक काम कर, कुछ पैसे लेकर कॉलेज आ जा आज। नहीं, आज नहीं आ सकती, घर में बहुत सारा काम है। मोना, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, प्लीज ले आओ ना, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है बाबा, आती हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। ठीक है मेरी जान, लव यू सो मच। लव यू टू, बाय। भाभी की मुंह दिखाई के पैसे रखे हुए हैं, उनमें से ले लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। चाचा राम राम। राम राम बेटे। ए कहाँ चल दी सवेरे सवेरे तू? माँ राखी मिली थी, प्रैक्टिकल के साइन होने बाकी हैं अभी कॉलेज में, तो बस वही जा रही थी, जाना और आना ही है बस। ध्यान से जाइए और जल्दी आ जाइए। ठीक है माँ। अच्छा भाभी, कॉलेज घूम के आती हूँ, ठीक है? ठीक है, घुमाओ। अरे कहाँ गई भाई? अरे आ गए आप, हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ जल्दी लगा दे, अभी मुझे खेत में भी जाना है। आप खबर पहुँचवा देते, खाना मैं खेत में ही भिजवा देती। अरे वह बिजली भाग गई, मैं तो पानी चला रखे था। ठीक है, आप हाथ मुँह धो के बैठ जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे हाथ मुँह के धोऊं, नहाई लूं। हाँ भाई, बढ़िया है खेत ना? बिजली कहाँ टिक के चल रही है? हाँ भाई, इन बिजली वालों ने भी ड्रामा ही कर रखा, बिल तो बड़ा हो जा। पिताजी वो मैंने सोच रहा था, इसे मोना को साइकिल दवा देते, उसे बिचारी को पैदल जाना पड़े। भाई एक काम कर लिए, इस बारे में अपनी माता पूछिए। माता तो मैं बात कर लूँ, तुम एक काम करो, कुछ पैसे दो, मुझे राजा के लिए तेल और खल लाना है। अरे यू कौन सा दूध दे, इसके पीछे बावला हुआ फिर जा। दूध ना देता काम तो करे, सारा काम राजा ही करे। गांडो तो भरी 7-19 की ट्रॉली खेचू ले जा, मुझे कुछ नहीं पता, तब मुझे कुछ खाने को दो या ना दो, पर मैं राजा को जरूर खाऊंगा। अरे तू इसकी जितनी मर्जी उतनी खातर कर लिए, पर भी मेरे दोरे पैसे ना है। तम तो नहीं करूँ जाओ, रोटी चैन तक खा ले, कभी राजा के चक्कर में रोटी छोड़ दे। ला भाई रोटी ले जल्दी। भाई यू लोंडा भी डांगरों के चक्कर में पागल ही हो लिया। ये रोटी छोड़ के कहां चले गए? पता नहीं सारे के सारे क्या करूं जाए ना, डांगरों को नहीं देख सकते एक बार भी। हाँ भाई राजा, वो तो तड़की काट गए हूं जब आया बात, कटे कटाई न्यार को भी डांगरों के सामने घेर नहीं सकते, पता नहीं काहे में लगे रहे 24 घंटे, हमारी समझ में आती नहीं इनकी बात। मैं ना देखूं ना तो ये डांगर बेचारे भूखे ही मरे, नूनी ने थोड़ा बहुत न्यार घेर के बांध दे, पता नहीं के करूं जहां पूरा दिन। धूम में बांध रखा है, बताओ राजा। आ जा। आ तो तड़के से राजा ने न्यार भी ना खाया, खा ले राजा, खा ले मेरे बेटे, खा ले। अरे यार बता,
तड़की धूप में बांध रखा। राजा सारे में कोई गोबर गोबर कठा पड़ा ना इसे हटाते है। ले नहीं मोना, और इससे ज्यादा नहीं खा सकता। जय तुमसे इतना प्यार कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मोना जब तू मुझे जय कह के पुकार है ना यू प्यार और भी गहरा होता चला जा। तुम मुझे दुल्हन बनाकर कब ले जाओगे? मेरा तो न्यू मन करे मैं तुझे अभी ले चलूं। पर एक बात बताऊं जो काम मैंने तुझे बताया याद है? हाँ हाँ लायूं। कितने है? मुझे नहीं पता तुम गिन लेना। अच्छा चल छोड़ चल कहीं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना खाना चल रहे हैं। नहीं आज नहीं आज घर पे बहुत काम है। यार ऐसे मत करा करे कितना टाइम लगेगा अब गए यार भाई। आज नहीं फिर कभी चलेंगे ठीक है। अरे पिताजी सीमा की कोथली भी तो जानी उसका सामान बता देते। समान बेटा तेरी माँ तो है नहीं वो होती तो कुछ बताती भी हमें तो इतना पता है नहीं। तो बेटा एक काम करिए तू उसे 500 रुपए दिए ही है और जो उसके समझ में आएगा वो ले लेगी। ठीक है पिताजी दे दूँ माँ और कुछ फल भी ले जम्मा। हाँ बेटा ये ठीक रहेगा। बेटा एक काम और करिए सीमा से ये कह दिए कि अपने सास ससुर का ख्याल रखे। वैसे हमारी सीमा है तो बहुत समझदार लेकिन तो फिर भी कह दियो बेटा। पिताजी हमारी सीमा को इतनी बातों की कहने की जरूरत ना वो बहुत समझदार है। भाई उसे पूछ लिए अगर वो आगे पढ़ना चाहे जी तो उसकी फीस का फार्म का इंतजाम हम कर देंगे पढ़ लेगी वो। ठीक है जी। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं घर वालों को सारी फसल का नाश हो गया। विवेक फायदा और नुकसान तो जीवन का हिस्सा है। आज नुकसान हो गया तो कल फायदा भी तो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे जीने की उम्मीद छोड़ दें। नुकसान तो किसान के जीवन का हिस्सा होता है। मेरा तो हमेशा नुकसान ही हुआ फायदा तो कभी हुआ ही नहीं। भगवान पर भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा। अब आप एक काम करो प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाए गए किसान फसल बीमा योजना का फसल का बीमा करवा लो ताकि फिर कभी हमारा ऐसा नुकसान हो तो हम उस बीमे से अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। फसल का भी बीमा हुआ है के? हाँ रोज अखबार में आता है। अब घर चलो मैं उसके बारे में सब समझा दूंगी। माँ मुझे साइकिल की जगह स्कूटी दिला दो। मेरे पेपर शुरू होने वाले हैं और मुझे ट्यूशन भी लगाना है। देखूंगी तेरे पिताजी से बात करके। माँ कुछ पैसे मैंने भी जोड़ रखे मैं भी डाल दूंगी। अब अंधेरा हो जाता है कॉलेज से आते आते। चल कह दी ना तेरे से बूझ लूंगी उनसे दिवाऊंगे तो। ठीक है चावल मैं ही साफ करके धर दूं थारी नई आंख है कोई सी भी ना करती।
पता नहीं कैसी लड़की है। अरे ये किसका रिजल्ट है? अरे ये तो विवेक का है, इनके तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर ये आगे क्यों नहीं पढ़े? ए सीमा, ये दूध देख ले, दूध ना लिखट जा। आई मम्मी जी। जो ना तेरे सिर में प्यास हो रही है, वो लगा लिया नींबू सिर में। ए देखिए कौन है। आई मम्मी जी। अरे भैया आओ आओ। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं तो दीदी। मुसी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। और ठीक हो? ठीक हूँ जी, तारा बना रहा। और कैसे हो मुकेश जी? मैं अच्छा हूँ। बैठ जा। तेरे पापा भी ठीक हैं? हाँ जी सब ठीक है। जा तू चाय बना ला तनसी। जी मम्मी। चलिए तू भी दिखवा ले कुछ काम। और सुना? बस जी मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ? हाँ बस मैं भी ठीक हूँ। तेरा मौसा ही रहे बीमार सा बस। कहाँ जा रहे वे? नीचे बैठे होंगे या चले गए होंगे कहीं गांव में घूमने फिरने। जीजा जी? वो तो यही है। अच्छा और बता। बस जी अच्छा हूँ। देव आगे तेरे मौसा। अरे यू तो मुकेश आ रहा भाई। मौसा जी राम राम। राम राम भाई, राम राम। जीजा जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। और राजवीर कहाँ रहू? जा कहाँ मन रहा हो, दिखता ही ना है। बस जी लगे रहे भी कहीं ना कहीं। ठीक ठाक भी है वो? हाँ जी। चलो बढ़िया भाई, आ जाओ बैठो भाई। चाय बना दिया भाई? और मौसा जी काम धाम कैसा चल रहा है आपका? बस भाई तेरा जिज्जा कराउ जा सब बढ़िया ही ठा रखे काम तो इसने। ले चाय ले। मैं डांगरों को देखा हूं जी एक बार। देखिया घना कमेरा काम करता ही रहे। हाँ जी। एक मिनट खाली नहीं बैठता। हाँ जी। और मौसा जी काम धाम कैसा चल रहा है आपका? बस भाई देख ले सब बढ़िया चल रहा, ठीक है। अच्छा जी। मौसा जी एक बार मैं सीमा से मिलिया हूँ। हाँ बेटा जा मिलिया, अपनी बहन से मिलिया। अरे भैया आओ आओ बैठो बैठो। और सीमा ठीक भी है? हाँ भैया ठीक हूँ। ले सीमा ये 500 रुपए तेरी कोथली के, सामान तो पता ना क्या क्या कोथली में, लेकिन पिताजी बोले 500 रुपए दे आना। कोई बात नहीं भैया, और बताओ काम कैसे चल रहा है आपका? ठीक चल रहा। नू बता अगर तू आगे प्राइवेट पढ़ना चाहती हो तेरी फीस और फार्म का जुगाड़ तो हम कर देंगे। तुम क्यों करोगे भाई? मैं करूँगा। सीमा ला दो तुझे बीए का फार्म। बीए कर रखी है मैंने। अरे वो बिचौले तो कह रहा था ना ग्रेजुएशन कर रखी है। अरे यार तो ग्रेजुएशन तो ज्यादा पढ़ी लिखी दिखे है। आप रहने ही दो। आ भाई चल चल आ जा ले। अरे अरे यू क्या ठाऊ फिर है भाई? पिताजी पता ना बेचारा किसने छोड़ दिया, इसे लोग बाग पीट रहे, इसमें लठ बजा रहे, तारों में कटता फिर है, बताओ कैसे करूं? अरे क्यों मारे झोटा ही कम था क्या जो तू ये बछड़ा भी पकड़ लाया? अरे इतना मारे पे पैसा धरा क्या, इनके खर्चे कुक्कर ठाओगा तू? पिताजी तुम नहीं करते रहो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। आ जा आ, आ। ले भाई सारी दुनिया की राड इसे घर में लानी है, बछड़े ही ठाऊ फिरे, दुनिया इन्हें छोड़न लग रही बाहर, यो इसे ठा लाया यहाँ सी। भाई सरकार कुछ तो कर ले इन बछड़ों का। कुछ नहीं भाई, क्या होगा इस जाकत का। राजा ले ले पी ले ले। राजा नाराज मत हो, तेरा खल तेल भी ला दूंगा, नाराज क्यों हो रहा है? ले ले कर ले, मुंह पर कर, मुंह पर कर, ऊपर कर मुंह। राजा राजा मुझे पता है सबसे ज्यादा मेहनत तन्ने ही करी है, मेरे भाई मेरे बाबू मैं आपका फसल का बीमा जरूर करवा लूंगा। ले राजा मत ले वे। विवेक सब कुछ भगवान के हाथ में है, ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं है। लो दूध पी लो, सब ठीक हो जाएगा।
के करूं मैं, आज तो राजा ने दूध का मुंह भी ना लगाया और ना ढंग से घास सानी कुछ ना खाई। अच्छा आज आपके मुझे कुछ रिजल्ट मिले, आपके तो काफी अच्छे नंबर आते थे, फिर आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? जब मैं 9वीं पास करके 10वीं आया तो पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर ने तो चलने फिरने तक के लिए मना कर दिया था, पिताजी तो यूमान बिल्कुल खाट में लग लिए थे। अब मैं ऐसे में पढ़ाई करता या खेत के आगे काम देखता? तू ही बता, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। वो तो आपकी बात ठीक है, पर आप प्राइवेट पढ़ाई भी तो कर सकते थे ना। अरे हमें किसी ने ऐसे कल दी ना, मैं तो पढ़ ना सका, पर मैंने सोचा अपनी बहन को तो पढ़ाई लूं, और उसकी मन ने पढ़ाई ना छुटन दी। अगर आप चाहो ना तो आप फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अरे अब के करना पड़ के, अब तो ब्याह हो लिया। अच्छा ब्याह के लिए ही लोग पढ़ाई करते हैं? और के, पढ़ लिख के लौंडे नौकरी करने जावे और ब्याह होते ही घर आके बैठ जा। भाई जेके भाई, बस तेरे जैसा दिलावर भी ना कोई। जेगे हूँ मैं जेगे, सिगरेट भी। तुझे बहुत जल्दी लगी रे। कदम आगे। जेके भाई आज छोटी बोतल थी क्या? अरे यू दीरू का पिल्ला गटक गया। भाई जेके भाई, दारू वारू तो तुम छोड़ दो, यू बताओ ये थारे वाली है उससे तू पैसे ले आया या कुछ वैसे भी? आज तक ना हाथ भी टेकन दिया। बेकार ले सिगरेट भी। अब चुप। गुरु भाई थोड़ा सा ऊंचा मत बोला करो यार। ओ सुन, मैं आदमी के मुंह पे गुट बहुत मारूं। मरो तुम। सुसरे यहाँ रुक कर जा। नजा हो रिया तुझे? अच्छा भाई चुप करो, शराबी साला दिमाग खराब कर रहे हो। तुम्हें ना आता कुछ भी? अच्छा साले नहीं फ्री की दारू पीते। धीरे से हाय मेरी जान, अभी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ? सच्चा प्यार करता हूँ मैं अपनी मोना से। सच्ची? मुच्ची। एक काम कर, कल कॉलेज आ जा, बहुत ज्यादा मन कर रहा तेरे से मिलने को। ठीक है मैं कॉलेज आती हूँ कल। और सुन। हाँ? कल कुछ पैसे भी लेते आना। ठीक है मैं कल लेके आती हूँ। ओके I love you. Love you too, मेरी जान। Bye. हे भगवान, इसके पास तो फोन भी है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना कर बैठे ये लड़की। माँ तन्ने करी पिताजी से बात? कहाँ है की? मैंने कहा ना था साइकिल की जगह स्कूटी दिला दो मुझे। ए तू स्कूटी को छोड़, तू नू बता तेरी भाभी ने कुछ दिया ना दिया संदूक खुलाई? ना मुझे तो अभी कुछ भी ना दिया। तो मांग ले। क्या मांगू? स्कूटी मांग ले या भारी सा कुंडल मांग ले।
अरे क्या कुंडल की बात कर रहे है तुम? यू कुछ ना, मोना मांग रही अपनी भाभी से संदूक खुलाई कुंडल। अरे टाल मारो तुम इस कुंडल की, राजबीर ब्याह करके निमटा, उसकी हालत घनी चौखी ना है, समझ गए? और मारे भी काम अटके पड़े। ये तुम्हारा हो है रसम, एक ही तो छोरी है मारे, दे देगी तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, बतेरे का मारे बाप बेटा उसके। अरे थारे दिमाग में बात ना घुसती। घुस गई हमारे दिमाग में बात। अरे सुन जाओ, टाल मारो इसकी जब हम कह रहे। तुम जाओ हुक्का पी लो, हमारे बीच में टांग मत अड़ा करो। करो जो थारे जी में आ रहा करो वही। नू नहीं देख रहे कितने दिन ब्याह को होली लाला के। क्या हुआ भाभी, डर गई? हाँ थोड़ा सा। आपको ये लगा कि भैया खेत पे से जल्दी आ गए? अरे नहीं, अचानक से कोई ऐसा करता तो डर लगना आम बात है ना। वैसे ये भी है, आपने मुझे संदूक खुलाई कुछ नहीं दिया वैसे भाभी अभी तक। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आपकी मर्जी, आप जो देना चाहें, चाहे मुझे स्कूटी दिला दीजिए या सोने के कुंडल। चलो ठीक है, तुम्हारे भैया आएंगे तो मैं बात करके बताती हूँ। ठीक है, ओके भाभी। सतपाल भाई राम राम। राम राम ओमवीर भाई, आ बैठ। आ गए जी। और ठीक ठाक सब? हाँ सब बढ़िया। यू कैसे कागज से लियो हांड रहा भाई? ये डाकिया दे गया था जी, बिजली का है, आपके नाम से है जी, कुछ मजनू कह के था दे दियो। देखे भाई क्या प्रेम पत्र सा लेके आया तू? यो देख लो। बता भाई यू तो नास हुआ फिरे है, बिजली के भाव कितने बढ़ गए भाई? बता ओमवीर, न्यू कुकर होगा भाई, समझ में ना आ रही है। एक बात तो बता। हाँ जी। छोरे का ब्याह करके तो इमें निमटा, मेल भुगतान देन को राजी ना है। हाँ। और यू देख बिजली के बिल कितने बढ़ा दिए, हद हो रही, मुझे नू लगे कनेक्शन कटता ही दिखे। सही कह रहा भाई। ओमवीर एक काम कर सके है क्या? बता भाई। 5,000 रुपए मुझे उधार दे दे, पेमेंट होते ही मैं तेरे 5,000 रुपए पकड़ा दूंगा। मेरा भी ऐसा ही चल रहा, कुछ मामला, स्थिति खराब है मेरी बहुत, मेरा बहुत ना। चल भाई देखेंगे, हम ही हम करेंगे इसका कुछ जुगाड़ भी। अच्छा भाई मैं चलूं भाई। ठीक है भाई। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। चचा राम राम, आ जाओ, क्यों परेशान से दिख रहे? राम राम भाई। राम राम जी। राम राम आ गया सतपाल, बैठ। भाई फुल्लू परेशान क्यों ना हुए, इनके भी मेरे जैसा बड़ा सफर रहा रहा बिजली का। लल्ला परेशानी की तो बात है ही, बिजली वाले बिल तो इतना दे रहे और बिजली देते ना, इतने बिजली आवे ट्यूबवेल चलावे, नक्के ते निकल के पानी ना जाता खेत लो, फिर बिजली भाग जा, पूरा खेत सूख जा, परेशानी की तो बात है ही। अभी तो इन्होंने अपने छोरे का भी आ करा। अच्छा अभी और फिर बिजली का बिल आ गया इतना बड़ा, अब इतनी महंगाई में किसान अपना खर्चा कैसे चलावे? अरे खर्चे तो मैं सारे ठा लूंगा, पेड्डी घनी ठाड़ी खड़ी थी, दो पैसे आते उसमें ही, उसमें आग लग गई। यो तो भला हो गांव वालों का, सबसे पहले गांडे भी उन्होंने वहां से कटवाए और मिल में भी पुछवाए, पर 1 साल बाद भुगतान आवेगा उसका। और भाई अब तो दिक्कत ये आ रही, एक पैसा नहीं है और समस्या ही समस्याएं बढ़ती जा रही। चाचा यह बात तो तुम ठीक कह रहे हो। भाई लल्ला एक बात तो बता, तू मेरी थोड़ी सी मदद कर सके है क्या? तू मुझे 5,000 रुपए दे दे, पेमेंट आते ही तेरे दे दूंगा। चाचा मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बहन की पढ़ाई के पैसे पुछवाने, अब मैं भी नू परेशान हूँ, मैं कहाँ से जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारा। अरे तू देख लेता भाई। चाचा मेरा साला ले गया पिछले महीने, अगर तुम पहले कह देते तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर भी देता मैं, पर अब नहीं होने का। चल भाई मैं ही देखूंगा, कुछ जुगाड़ करूंगा, कुछ जुगाड़ सा होता हो तो। ये तो भाई बर्बाद हो लिया। ओए लल्ला बंदी, ओए बलगंगे माई की जय। अरे काहे के जुगाड़ में लग रही तू? अरे प्लास्टिक की बोतल को काट के गमला बना रही हूँ, वैसे भी बाहर खेतों में जाती तो पर्यावरण को नुकसान करती, और ये बन गया फूल। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है।
अरे लिया भाई, छाई ना लाई। अब खाओ जी, मैं लेके आती हूँ। अरे सारा सामान गैली लिया कर, तुझे पता मुझे खेत में भी जाना है। जी आलिया भाई। हाँ आ गया जी। पिताजी हाथ में के पर्चा सा ले घूम रहे हो? भाई बिजली का बिल आ गया, कई महीने से बिजली का बिल जमा ना हुआ था और अगर इबके ना जमा हुआ ना करेक्शन कट जाएगा। कितने का है भाई? 6,000 रुपए का। मैं तो गांव में को भी हांडी आया, कहीं जुगाड़ ही नहीं हो रहा, क्या करें, बड़ी दिक्कत आ गई। पिताजी मैं भी उसका डांगरवा खड़ बांटर तेल ले आया। ठीक है जी, उसकी मोना की फीस दे दी और वो 12 वाली मोटर फूक गई थी, मिस्त्री मिला था 2200 रुपए उसके भी रह रहे हैं यार। एक काम कर सके है क्या? तुमने भाई से ही बात कर ले, वो 8,000 रुपए दे दे, पेमेंट आते ही सबसे पहले उसके पैसे भिजवा देंगे। मेरे भैया के छत पर नोट सूख रहे हैं, जब देखा भैया से लिया, उसका तो तंग चल रहा हाथ। इससे कह दे इसकी बहुत धोरे धरे होंगे मुंह दिखाई पैसे, उनमें कर आएगा बिल जमा। ठीक है मैं बात करूंगा सीमत। अरे इसे रोटी तो खा लेन देकर। सीमा एक काम कर, बिजली वालों को नोटिस आया है, मुझे बिल भरना है। तेरे जो मुंह दिखाई वाले पैसे हैं ना, उसमें तो 5,000 रुपए मुझे दे दे। वो पैसे तो मोना के पास ही हैं। और हाँ, मोना ने संदूक खुलाई में सोने की कुंडलियां स्कूटी मांगी है। मोना, ए मोना, देखो जी संदूक खुलाई का तो बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी बिजली का बिल जमा करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आप मोना से पैसे लेके बिजली का बिल जमा कर दो। ठीक है जी भैया। हाँ मोना, सीमा की मुंह दिखाई वाले जो पैसे हैं ना, उसमें तो 5,000 रुपए मुझे लाकर दे दे, मुझे बिजली का बिल भरना है। भैया मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। या तो नुकैरी पैसे तेरे पे ही है। नहीं भैया, मैंने भाभी के संदूक में जो पर्स रखा उसी में पैसे रख दिए थे। ऐसा के परस खागा पैसे? इसमें तो कोई पैसे ना। अरे इसमें तो कोई पैसे नहीं है, मैंने पैसे इसी में रखे थे। भैया भाभी झूठ बोल रही हैं, ये घर के काम में पैसे देना नहीं चाह रही हैं, इस वजह से पैसे छुपा रही हैं। सच में मोना मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं देने के लिए मना ही क्यों करती। याद करो तुम ही कहीं और पैसे रख के भूल गई होगी। भाभी मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने पैसे आपके पर्स में रखे हैं, आप देना नहीं चाह रही हो तो इस वजह से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। मोना मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास पैसे होते तो मैं देती ना। और हाँ, कल तुम मेरे संदूक में कुछ ढूंढ रही थी ना, तो ये बोलो ना भाभी साफ साफ कि मैंने आपके पैसे चुरा लिए। विवेक सच में मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चाहो तो आप मेरा सारा सामान चेक कर लो। आप मेरा विश्वास तो करो। दे दिया होंगे, मुझे ना इसका विश्वास बिल्कुल भी। दुनिया भर की छाकती है यो। अरे मैं किससे क्या हूँ, कैसे बताऊँ, किसी से लूटाऊँ बहू ने चोरी करके पीहर भिजवा। बाहर जाके मम्मी जी को चुप करा दो, मैं अपने घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। मिलती गलियों में हांडता फिरे जा, वो भी कुछ ना देखता घर में के और आके है ना। मेरा जन्म दुखी हुआ इस घर में। चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत तू।
आपसे बता दे वो आगा। अरे क्यों घर सर पे ठा रखा, के बात होगी, क्यों फांसी लगा रखी तुमने यो? तो घर सिर पे दिखे, फांसी और लगवा दो, चोर तो बना दी माँ बेटी। अरे के बात होगी, पैसे निकल गए उस मोकड़ा के, अंदाम लगा रही है इसके। अरे मिल जाएंगे पैसे, क्यों यह पड़ी लकड़ी ठाऊ पी रहे तू? तो पड़ी लकड़ी देख रही है, यू रोज रोज का कलेश मुझे ना आए समझ में। अरे कलेश भी तो तू ही कर रही, उनका मारा टक्कर जाके वो बेटान के जो पैसे जुम्मे लगा रहे उसकी खातिर तू ही है, बतेरी तू। तुमने घर का नाश कर दिया बिल्कुल इन दो पैसों के चक्कर में। हारी समझता क्यों ना आ रहे, तुम चुपचाप जाओ और अपना हुक्का पी लो, हुक्के से चिपके रहो सारा दिन। बस लुई डराओ जाइए साबत जिंदगी मुझे, बुढ़ा पा लिया पर तेरी आदत ना बदल रही, हुक्का पी लिए। माँ क्यों रुकत आ रही है, के फायदा रुकत आ रहे थे, तुम दोनों चुप क्यों ना हो जाती हो? भैया तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, तूने और भाभी ने मिलकर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया। तू घनी बड़ी समझदार मत बने, चल खड़ी होते चल अपने कमरे में, अरे कुछ बोली ना देख ली बस। ओए जोरों का गुलाम, अपनी माँ को तो खाई है, यू मुझे भी खा जाओगे, फेर तार लिया इसकी आरती तू। अरे माँ तू क्यों गणेश कर रही, नू बता। अपने घर से आए गाड़ी भर का सामान लाई, यू के लाइए खाली संदूक, अरे बोल रहा इतनी है जिसकी कुछ हद ना, हमें चोर बता रही है यू, अपने घर में हम चोरी करेंगे। बस करू जा तुझे तो कलेश करना, करू जा तू चली आई हो अपने पी हरी हो, तुझे दिखाई ना दे रहा कुछ भी, मजनू और आप हुआ। पिताजी तुम परेशान मत हो, बिल के पैसों का जुगाड़ मैं अपने आप कर लूँगा। अरे भाई मैं इस बिल के लिए परेशान ना हूँ, यू जो घर में ड्रामा चल भी रहा मैं तो इससे दुखी हो रहा। पिताजी मोना संदूक खुलाई में कुंडली या स्कूटी मांग रही है, बिल के पैसों का जुगाड़ तो जैसे तैसे हुआ, अब मैं कैसे करूं? लल्ला तू देला ना हो, ए मोना को तो मैं अपने आप समझा लूंगा। तुम माँ को समझा लियो बस, चल उससे भी मैं ही बात करूंगा। कदी तमें समझा दे, मुझे छुटाने पड़ो। के कह रहा? कुछ ना जी मैं नियार काट लूं। हाँ काट ले, और झुट्टे के चक्कर में ना पड़िए, बछड़े को भी डाल दिए थोड़ा सा। विवेक से क्यों ना कहते हो, अपनी बहू से कह रहे थोड़े घने पैसे ले आओगे घर से, बतेरा कमा रहे बाप बेटा, क्या इतना भी ना कर सके? अरे विवेक ते बात होली मेरी, विवेक नु कह रहा सारे काम मैं अपने आप कर लूंगा, तुम चिंता ना करो किसी बात की। वो तो बेचारा कर ही लेगा, पर जब मैं कुछ क्या करूँ ना तो गुंगे भैरे बन के बैठ जा करो, मेरी तो भगवान कोई सुनता ही ना, मैं तो इस घर में पागल ही हूँ। क्या मिला मुझे इतना पढ़ लिख कर भी, आखिर मेरे नसीब में लिखे तो आंसू ही है ना। विवेक अरे हो रही है। हाँ माँ। अरे बिल का बना कुछ हिसाब किताब है ना। अरे माँ मैं चाचा रतनपाल के यहाँ घर गया था, वो घर ही ना मिला। अरे तू सीमा से क्या अपने घर से ले आओगी थोड़े घने पैसे? अरे माँ जो हमारा अपना काम है मैं अपना आप ही कर लूँगा। अरे हमने लाए थे अपने घर से, यू ले आओगी तो कौन सा पार्ट टूट जाएगा, तुझे डर लगता रहा इससे कहने में? अरे माँ तू बिना बात की कार कर मत मान दे कर, मैं अपने आप कर लूँगा। पता ना क्या क्या कर लेगा तू। हेलो जानू। हेलो बेबी कैसी हो? मैं अच्छी नहीं हूँ। क्यों क्या हुआ? आज घर में फिर पैसों को लेकर झगड़ा हुआ और भाभी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, तुम मुझे लेके जाओ बस यहाँ से। ऐसे कैसे लेके जाऊँ, मैं बारात लेकर आऊंगा मेरी जान, जब लेकर आऊंगा तुझे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझसे मिल लो। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा मिलने को। सुनो मुझे कुछ काम के लिए 4-5 हज़ार रुपए की जरूरत है, कल कॉलेज लेकर आ जाइए। देखती हूँ कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू जानू। बाय।
अरे है के ला जो होंगे आजा कश्मीरा, घर में ऐसा ही कलेश रहा तो कुछ दिन पीछे मरी जाऊंगी मैं तो। मरे तेरे दुश्मन, ऐसा क्यों कह रही तू? के बताऊं कश्मीरी, बहु ज्यादा पढ़ी लिखी आगी घर में और इस बहु ने सबकी नाक में नकेल कर रखी है। ऐसा क्या हो गया? तू सीधे सीधे बता, क्या कर दिया उसने? के सीधा सीधा बताऊं, कहूं जब जन्म दुखी ना कहूं जब जन्म दुखी। कोई मोहल्ले पड़ोस का सुनेगा तो नुई कह होगा कि सुसरी पे बहु राखनी ना आ रही। अब तुम नो बताओ, मेरा एक बेटा और उसे भी न्यारा करवाने के चक्कर में लग रही है यू। नहीं तू अभी तो उस पे थोड़ा वो रख और उसे भी वेक को भी थोड़ा दबा के रख। अरे यू थूक सा ना भी लो वे तू, हमें तो पहले ही पता था कि गोपाल की मौसी बता रही थी अगर बहू बहुत तेज है। बा मुझे पता ना ही, अगर मुझे पता होती ना तो मैं कतई ब्याह नहीं करती। तो जब करना तो कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। शुरू में ही बहू को जो सिर पे बैठा ले फिर उसके और पैर हो जाओ। मारे सुमित्रा की ननंद ने अपनी सासू घर तक आड दी थी, जल्दी कर तू देर ना करे, ऐसा ना हो जा। कुछ ना कुछ तो कश्मीरों करना पड़ेगा ही। हाँ यही तो कह रही मैं तुझे। अब तक तो मैंने ढील सी छोड़ रखी थी पर बीबी मेरा तो एक ही बेटा, यू भी कंगे नुई हो गया तो मेरा तो नू समझ ले काल जल्दी कट जाएगा। मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी, तो बस जल्दी कर। क्या हाल है विवेक भाई? बढ़िया भाई बल्लू बढ़िया। कहाँ घूम आया? कहीं ना, वो बैंक में गया था, वो पर्ची का पेमेंट आ गया तो किताब पे चढ़वा के लाया। अरे मुझे भी जाना था यार। हाँ तो चले जियो, चढ़वा ले तुम भी, 3 बजे तक खुलेगा बैंक। चल ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ओके। हे भगवान, सही रहेगा पेमेंट मिल जाए तो। सीमा। हाँ जी मम्मी जी। मेरी गैल चल उपला लेने चल रहे है, मेरी कमर में दर्द हो रहा हूँ से, तू उठा लिये। ठीक है चलिए मम्मी जी। माँ जल्दी आना, मुझे कॉलेज जाना है। अरे पथवारे तक जा रही हूँ ना, बसने जा रही, अब आई लेके। आराम से चला ले जे, यू मत सोचिए मैं डर रहा हूँ, डर तो तुम हो ना परिस, आराम से चला ले, यू फायदे की बात है, आराम से चलाना चाहिए, आराम से चलेगा तो ठीक रहेगा, मेरी तो सुन ले। अरे यार तुझे एक बात बता रहा हूँ मैं, तू दोस्तों सब पर मत चला कर, हमें डर लगे, हमें ब्याह करना है यार अपना। अरे यो जान पूछ के ना भगा रहा, अरे इससे तो मोना भाभी की चाह सी भगवा रही इसे। ए भाई तू एक बात बता, तू उससे पैसे ही पैसे ले या वैसे भी मौका लग जा कभी? यार धीरू आज तक कोई मौका नहीं लगा। तू एक काम कर, आज पूरा दिन ही खाली है, घुमाला कहीं बुलेट में। सही कह रहा धीरू, आज तू हाँ। आज कोई ना कोई सोल बठानी है मुझे। मैं तुम्हें स्कूल में तार के आज हाँ। कोई ना कोई जुगाड़ कर देता हूँ। यस भाई देख लेता, 5,000 रुपए का जुगाड़ हो जाता है। नहीं बेहोत नहीं बना। अच्छा भाई चलूं तो बताओ भाई कीजिए माना से। राम राम जी। अरे ये तो विवेक आ रहा दिखे। पिताजी राम राम। जीता रे, तिल्ला सा लेकर कहां से आन लग रहा भाई तू? बिजली का बिल भर काया जी। हो गया जमा? हाँ जी। अरे पैसे कहां से आ गए भाई? वो पेमेंट आ गया था जी गंडो वाला। गंडो का पेमेंट? हाँ जी। पिछले बरस का? हाँ जी। रुका हुआ? हाँ जी। अरे वाह भाई, भाई मालिक ने सुन ली मारी तो। अरे बेइज्जती होने से बच गई भाई, गांव में कई से पैसे मांग लिए, किसी ने पैसे ना दिए, मारा पेमेंट यू मील में फंसा रहे हैं भाई, बहुत सुथरा काम हो गया। हाँ जी सही टाइम पे पैसे आ गए, बिल भरा गया, और नहीं तो बहुत कैड़ा काम हो गया था। कितने पैसे आए भाई? जी 9,000 रुपए। अरे कुछ काम भी चल जाएगा हैं? मैं कुछ घर का सामान भी ले आया गैल गैल। यू तो बढ़िया करा तेने, चला रहा तू ही घर को, चलाऊ जा बस इसी तरह से, भगवान तेरे जैसी औलाद सबको दे। पिताजी तुम चिंता मत मानो, सब चीज ठीक हो जाएंगी। चल भाई अब जल्दी चल के कुछ खा लिए, मुझे पता तड़के ही तू जल्दी निकल गया था, तने कुछ ना खाया होगा। आजा
मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए कुछ बनवाऊ, आ जा। जैकी, जैकी, जैकी। अरे भाई तू आराम से चला कर, महारा तो कोई ना, पर तेरा भी चाहने वाला कोई है? हमारा के है, हम तो घर से फालतू हैं। सोड़े तुम दोनों घर से फालतू ना, दुनिया में फालतू हो, जाओ सीधे कॉलेज निकल लो, जाओ। यारी में गद्दारी कर रहा हूँ। अरे सुन, हाँ मेरी हाजिरी भी लगवा दियो। लगवा देंगे, तू इसकी हाजिरी ले पहले। कैसे दोस्त हैं तुम्हारे? अरे इन्हें छोड़, चला तुझे घुमा के लाता हूँ। नहीं कोई देख लेगा बाबू। बाबू अब कुछ नहीं, आज ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ कोई नहीं आता जाता। बैठ। अरे यार कोई भी ना है, कम से कम ढंग से तो पकड़ के बैठ। मेरा बाबू। जैकी तुम शादी कब करोगे? तुम्हारे बिना मन नहीं लगता और टाइम भी नहीं कटता। तुम्हारे बिना मैं रातों को करवटें बदल बदल के सोती हूँ। अरे हो जाएगी शादी जब टाइम आवेगा। तुम अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते? कर लूँगा पिताजी से बात, तू भी कर ली अपने पिताजी से? हाँ बाबू तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी बहुत याद आवे। अरे बाइक क्यों रोक दी? बाबू मैं थोड़ा हल्का सा होलू। हो आओ कभी यहीं पे। अभी आया मैं 10 मिनट में। जैकी। हाँ? लगता है कोई लड़की है अंदर। जैकी किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी, ये सब ठीक नहीं है। कौन है मोना यहाँ? जैकी क्या तुम उससे सच्चा प्यार करते भी हो या सिर्फ इसी चीज के लिए? मोना मैं तुझे दिल से प्यार करूं। क्या तुम शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? अब क्या हर्ज है? ये सब ठीक नहीं है जैकी। अच्छा तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है? मेरे प्यार को नहीं समझ रही तू? फिर अपनी शादी के लिए आज एक सेल्फी लूं? बस एक ही। एक ही? जैकी ये फोटो किसी को मत दिखाना, तुम्हें मेरी कसम। नहीं दिखाऊंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अच्छा ये लो, मेरे पास पैसे नहीं थे तो तुम इसे बेच के अपना काम चला लेना। जैकी, जैकी, जैकी। मोना मैं जीवन भर तुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। अरे ये संदूक किसने खोला? अंगूठी? ये मोना कुछ तो गलत कर रही है, पता नहीं कैसी लड़की है। माँ नमस्ते। नमस्ते। कैसा मरीज हो रही है? तबीयत तो तेरी ठीक है? माँ थोड़ी थकान सी हो रही है, कॉलेज से पैदल आ रही हूँ ना। जा आराम कर ले चल।
पी लो दूध। क्या सोच रहे थे जी? कुछ नहीं, जो घर में हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। अब मोना की शादी की उम्र हो गई है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। मतलब? कुछ नहीं, आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने फिर कोई नई स्कीम बना दी के? नहीं जी, वो आप पापा बनने वाले हैं। हैं? सच? हाँ जी। सच में बहुत दिनों बाद हमारे घर में कोई ऐसी खुशी आई है। चलो अब सो जाओ। इतना जोरदार सांटा बनवाया था। एक बात तो है, इसके राजा का भी कमाल है, एक बार भी सांटे की जरूरत ना पड़ी। पिताजी राम राम। राम राम भाई। अरे एक बात तो बता, न्यू सुन रहे अंडे के भाव बढ़ेंगे? अजी 3 साल हो गई, हर बार नु ही करें। मुझे तो लग ना रहा रेट वेट बढ़ेंगे कुछ। खैर तुम एक काम करो, दावत का जुगाड़ कर लो। दावत का जुगाड़? यू तेरा राजा कोई शील्ड वील्ड जीत लाया के? राजा शील्ड भी जीत लेगा, खैर तुम दादा बनने वाले हो। भाई वाह, तेने तो बहुत गजब की बात बताई, भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। ए विवेक की माँ, सुन रही क्या? अपनी गिनती बुढ़ियाओं में कर ले। क्यों, कोई जवान मिल गई क्या? तेरा तो दिमाग नहीं चलू जाएगा। अरे मारा बेटा बाप बनने वाला, तू दादी और मैं दादा। जब दादी बन जाऊंगी गवा दूंगी गीत। एक काम कर, कोई बात नहीं है, उसे सावित्री को बोल दे पतासे ले आवेगी, पतासे आज बटवाओगे गांव में को। ठीक है जी। बढ़िया हो गया, बढ़िया। अरे लगाया है भाई नाके? हाँ जी नाके तो लगा दिए, बस यार खाल सी घास नहीं पड़ेगी, थोड़ी सी घास ही जम रही है। थोड़ी सी या दूर से दूर लो घास ही घास हो रही। तू एक काम कर लेना, अरे वो ना ता वो स्प्रे क्या कहे उसे, रोंडअप उसे छिड़क दे, सारी की सारी जल जाएगी। पिताजी पैसों का भी ऐसी चल रहा है, मैं अपने आप साफ कर दूंगा। अरे भाई भाई इस पैसे ने भी मारे, जैसी तेरी मर्जी वैसा कर ले। पिताजी मोना भी अब शादी लायक हो रही है, उसकी शादी के बारे में भी सोच लो। भाई बात तो तू ठीक कह रहा है, तेरी फुप्पी की छोरी इनावा भी ना, उसका चचेरा देवर है। ए? तेरा फुप्पा बता रहा था, नू कह रहा था छोरा भी कहीं बाहर लग रहा, और पैसे की भी कोई मांग ना उनकी। अच्छा हाँ, बात कर लो, अगर बात बन जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा। चल भाई करूँगा मैं बात उससे। अरे हाँ जी, एक काम करिए जल्दी घर आ जाइए, कभी सारा दिन फिर यही मंडा रहे। ठीक है जी। पिताजी राम राम। अरे राम राम, आ गया भाई। अरे लल्ला तू बाप बन गया बाप, और मैं दादा, और नू ना पूछे मेरी खुशी का के ठिकाना है। लक्ष्मी आई लक्ष्मी, और मारा घर अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अरे काम करिए और ले पीसे ले जा, आज गांव भर में को पता से बटुआ। ठीक है जी। माँ। अरे माँ। हाँ ले, पतासे बटवा दे, तू दादी बन गई। अरे काहे के पतासे बटवा दूं, धी होने के बड़े पतासे बटते होंगे। लोंडा होता तो पतासे बटवाती भी, इसकी गैल की बहुओं के सबका लोंडा हुई है। एक यूं ही कम मकत मेरे घर में ऐसी आके बड़ी है जो ही धी जान के बैठी। अरे माँ पता ना कैसी बात करे, या मोना ना छोरी या सीमा ना किसी की छोरी, तुम भी तो किसी की छोरी हो गए। एक बात बताओ, छोरी हो तो संसार चले। अरे तू मेरा आज्ञा मत करे संसार वंसार की बात, मेरा वैसे दिमाग खराब हो रहा, और खड़ा हो ले। पता ना माँ कैसी बात करे,
संसार चल रहा, मेरे तो वैसे नाच हुआ पड़ा, घर का तुझे संसार की पड़ रही है। ले माँ रोटी खा ले। ए तू परख ले जान रोटी अन्न, मुझे ना अच्छी लग रही रोटी पोटी। अब के हो गया, अब क्यों परेशान हो रही? परेशान ना हो, दी जानो पड़ी है, परेशान ना हो। कहाँ का मेरा कुल का नाम चल रहा है? तू छोड़ ना इन सब बातें, तू ये बता मैं नेक में क्या ले। हाँ संदूक खुलाई तो तेरे पे चोरी थोप दे, अब मांग ले हार हमेल देवेगी तुझे वे। सीमा तू ठीक तो है? हाँ जी। अरे रे मेरी गुड़िया रानी, अरे यार तो बिल्कुल तेरे पे गई है, हैं? विवेक ऐसा क्यों होता है, किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसे ताने क्यों पड़ते हैं? अरे तू छोड़ इन बातों को, माँ तो ऐसी करे करे, माँ दो चार दिन बड़बड़ाओगी फिर शांत हो जाओगी, तू देख लिए माँ इसे ठाउ ठाउ फिरेगी कैसे लाड़ लड़ाओगी, समझ रही है? सारे लाड़ माई करेगी, तू देखती रहिए। लज्जू एक बात तो बता, हैं यू विवेक के फूफा ने जो रिश्ता बताया बीना का देवर है चचेरा, हैं और अपनी छोरी भी तो ब्याह लायक होली। देख लो ठीक है तो लड़का अपना कर देंगे। लड़का तो ठीक ही बता रहे और बात भी बन जाएगी, हिमाचल में नौकरी कर रहा है और मांग भी कुछ ना है, घना सूत्रा रिश्ता बताया। इससे बढ़िया के बात रहेगी जब नौकरी पे लग रहा तो लड़का। तो कर लूं फिर विवेक के फूफा से बात? हाँ कर लो बात। राम 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 राम। अरे राम राम रिश्तेदार, राम राम। आओ भाई आओ बैठो बैठो। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते साहब, ठीक हो? हाँ बढ़िया बढ़िया। समधन तुम भी ठीक हो? हम भी ठीक है जी, तुम सुनाओ। ठीक है जी। आज कैसा रास्ता भूल गए विवेक? बस जी काम धंधा क्या, बस लगे हैं अपने खेती बाड़ी। और सीमा को कहते चाय धर लेगी, उसके पिताजी आए और भाई भी, आ जा भाई। और सब बढ़िया जी? सब बढ़िया जी। जीजा जी राम राम। नमस्ते भैया, ठीक हो? बढ़िया जी। नमस्ते लाली। नमस्ते लाली, ठीक है तू? हाँ जी पापा जी, मैं भी ठीक हूँ। और भैया आप ठीक हो? मैं भी अच्छा हूँ पापा जी, मैं चाय बना लाती हूँ। ठीक है बेटा। और आने में कोई दिक्कत ना हुई? बहुत बढ़िया। अब अपने बारे में बताओ, चोई साहब तबीयत कैसी है आपकी? अब भाई तबीयत तो बहुत बढ़िया, जब से राजवीर तेने वो देसी नुस्खा बताया ना, और वे योग बताए थे, जब से वो नुस्खा लिया और योग कर रहा भाई बहुत आराम मिल रहा। अब तो मैं खेत तो लो भी बिना लाठी के ही आंडिया हूँ। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। हाँ मौसी नमस्ते। नमस्ते चौधरी साहब, छोरी तो आपकी ब्याह लायक होली? हाँ होली, विवेक के फूफा ने भी एक रिश्ता बताया है और हमें भी सिमझण में आ रहा, और अब तो हम नु विचारे विवेक का फूफा बात आगे बढ़ा दे। बढ़िया जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। लो चाय लो। ले भाई। माँ मैं ट्यूशन जाया करूंगी, मुझे स्कूटी कब दिला रही तू? स्कूटी के सपने छोड़ दे, तेरा पोपा तेरा ब्याह करवाने को कह रहा है बीना के चचेरे छोरे से। उस्ते ना करूं मैं 100,000,000 लोभी ब्याह। माँ तुझे पता वो छोरा कैसा है? आती जाती लड़कियों को ऐसा ताड़े जैसे खा जाएगा उन्हें। ए ब्याह हुई है पीछे सब सुधर जा, फिर न ताड़ा कंगे को भी, सीधा चलेगा जंगल को चला। माँ देख मैं उससे ब्याह नहीं करूंगी, मैं बीना के छोरा होए में गई थी, मेरे हाथ से पिटता पिटता रह गया वो। ए अब तो उसकी नौकरी लग गई, फिर के परेशानी है? अखबार पढ़ना उससे आता ना, वो करेगा नौकरे। तो तू छो में क्यों आ रही है? मैं तो देख लूंगी तेरे पिताजी से क्या क्या, ब्याह तो तेरी मर्जी से ही होवेगा। फूफा को भी पता ना क्या लगी रहे आग मेरे ब्याह की, अभी तो मेरा ग्रेजुएशन भी ना होया।
भाई यू छोरी भी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने घर पे बात कर लो, लेकिन तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। क्या होगा, क्यों मरण को हो रही? तुम्हें तो अब जब ही शांति मिलेगी ना, जब मैं मर जाऊंगी। तुम तो चाहते ही यही हो कि तुम्हारा पिंड छूटे मुझसे। तूने बता बात क्यों हुई, फालतू की बकवास तो करे ना। आप तो तुम्हें मेरी बातें बकवास ही लगेंगी ना। मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए। मैं तुमसे बता रही हूँ जय, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। हट पागल, इतनी सी बात से डर गई? मैं बात करूंगा मम्मी पापा से, तू भी कर ले। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू जानू। अले वाह भाई वाह, वाह वाह, मेली बेटी कितनी बड़ी होगी। ए मोना की मम्मी, अब मोना का ब्याह जल्दी कर दे। हाँ, हमें चिंता ना आप बिल्कुल भी, हमारी तो बहुत ही बड़ी होली। अले एक और लोती ले आई। अले मेला बेटा कितना बढ़िया। अरे भाई वाह, गुड़िया तो अपने बाबा को रोटी खुवा रही है, हैं? भाई वाह। भाई अब अपनी माँ को कहते हैं, मोना का ब्याह है, अब कितनी जल्दी कर लो। मुझे तो रोटी पानी खिलाने वाली, मेरी सेवा करने वाली तो मेरी पोती आ गई। भाई भाई बहुत बढ़िया है। आहा, चम्मच भी लाई, रोटी भी लाई थी। अले मेरी बेटी, अरे मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा आ जा। अरे रे 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 रे, अरे मेरी गुड़िया, क्या हो गया? अरे भाई तू इसकी कितनी मालिश कर लिए, यो भूरा ना होने का ध्यान रख लिए, समझ गया? तो मजबूत तो बन जाएगा, इतना सारा काम करा है यू बेचारा। भाई मैं नू कहूं था, मोना ने तो रिश्ते की टाल कर दी। क्यों, के बात होगी? अरे वह कहीं रिश्तेदारी में गई थी, वह तो लोंडे को पहले से जानने, न्यू देख के बता रही, कहने लगी छोरा सही ना है। यू भी सही रहा, पहली पता लग गई न, बाद में बड़ी दिक्कत आवे इन चीजों में। भाई एक बात तो है, रिश्ता तो कहीं और भी देखना पड़ेगा, छोरा तो वहाँ भी गलत मिल सके। ऐ अरुण की किसी की मांग भी हुई तो फिर क्या करेंगे? पिताजी तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो है, जोटा तो चमका के ठीक कर रखा छोरे ने। माँ कमरे में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। के बात कर रहा है, मुझे चाय पीन दे। तू यही कह दे के कहवे। तू चल तो, मुझे तुझे कुछ दिखाना भी है। ये छोरी भी मुझे दुखी करती रहा है, मेरा वैसे घुटने में दर्द रहा है। चल आ जा। ए दिखा के दिखा रही है मुझे। आ माँ पहले तो बैठ तो। बैठने को तो ऐसा कह रही जैसे मैं किसी रिश्तेदारी में आ रही हूँ, ले बैठ गई। माँ मेरे साथ कॉलेज में एक छोरा पढ़ता है। फिर? उसका नाम जय है, पास वाले गांव का ही है, चौधरी बलराम सिंह का लड़का है, उसके पिताजी प्रधान है। प्रधान? तू पढ़ने जाए, वो छोरे को देखने जा, तेरा दिमाग तो सही है ना है? माँ ऐसी बात नहीं है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। और तू? मैं के? माँ तू पिताजी से बात करना। क्या बात करूँ? मेरे और जय के रिश्ते की। कर तो लूंगी बात में, पर छोरे को मैं देखूंगी कदी फरोड़ी हो। तुम आजकल की छोरी इनको ना पता कैसे जमाना चल रहा, नुई बकाले में। अच्छा ठीक है माँ तू देख लिए, लेकिन तू बात तो कर, कहाँ है पिताजी? अरे वही के घाट है, फिर रहा होगा गांव के कहीं चक्कर काटता।
देख लूंगी क्या क्या। देख लिए माँ। चल ठीक है। अरे मेरी गुड़िया रानी क्या कर रही है भाई? क्या कर रही है मेरी गुड़िया रानी? माँ जी के साथ में खेल रही है। अच्छा बैठे हो। इसे ही देख के जीता रहे। अरे इसे ही खिलाता रहे होगा, कुछ रोटी टुकड़ा भी खा ले। अरे मेरी गुड़िया रानी, इसे ही देख के तेरी भूख खत्म हो जा। वे डांगर भूख के खड़े, उनको भी देख ले कर। हाँ देख रहा हूँ अरे माँ, तो नहीं करूँ जा। देख तेरे लिए क्या क्या लेके आया हूँ, देख तेरा बाबा क्या क्या लेके आया है। 24 घंटे कुछ ना कुछ तान नहीं कसू जा। अल्ले देख कितने अच्छे खिलौने, कितने अच्छे कपड़े लाया हूँ। ऐ देखो ऐ मेरे बेटे, पसंद आए? कितने कपड़े लाओगे इसके? दुनिया भर के ढेर लगता धरे। वे छोटे होल लग रहे, उन्हें कद पर आवेगी। अरे देख उस कुदरत ने कितनी चांद सी बच्ची तेरे घर में दी है। कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया कर, अपो तो लाती ना है, हमें भी ना लान दे। अरे पहनने की उम्र है, पहन लेगी। आज तक लाए हो किसी के कपड़े? जब से यू हुई है, जब से दह कपड़े कैसे करोगे ना? कहीं दूसरी भी छोरी बुलाओगे? अले मेरा बेटा, तेरी दादी तो पागल है, बिल्कुल पागल है। इसकी बात ना सुनिए, ना इस पे जाइए बिल्कुल भी। हैं? ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरे सोना, मेरा बाबू। अरे ऐसा फटफटिया को चमकाता रहेगा, कुछ और काम भी कर लिया कर। फटफटी बता रहे हो? गाड़ी दिवा दो। अरे अब दिलवाने की के जोड़ते, तेरा ब्याह होगा अपने आप मिल जाएगी। अरे जय आ जाओ रे, कुछ चाय पी ले, इसे मायने में लगा रहेगा क्या? मम्मी आ रहा हूँ। आ जा तो जल्दी, ठंडी हो जाएगी फेरिया। पापा एक बात करनी। फिर कोई मामला फंस गया दिखे? मामला ना फंस रहा कोई भी। एक लड़की है पड़ोस के गांव की, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है, सतपाल जी की लड़की है। पहले तो तेने अपना नाम जय किशन से जेके धर लिया, अब ये लड़की छेड़ने के उलाने और आवेंगे। अब उलाना लेके ना आ रहे वे, मेरे रिश्ते की बात करने आ रहे। अच्छा तेरी आँखों में न रही शर्म के तई भी, माँ बाप तो तेरे लिए कुछ नहीं ना, अपने रिश्ते भी खुद ही तय करने लग रहा। कहाँ कर रहा हूँ मैं अपने आप ते, वे आवेंगे थारी समझ में आवे तो कर लियो। जैकी भाई। जैकी। हाँ अरे चल नहीं रहे भाई? आलिया देख रही है उस अपने छोरे को, कितना चौधरी बना घूम में। अरे देख उसे झिंगुर से को, जे के उस्ताद बता रहा है इसे। अरे उसकी तो छोड़ दो, आप बताओ हमें क्या करना। अपना जय भी तो शादी के लायक हो गया, इसकी शादी वादी का भी सोचो। सही कह रही है तू। देख चोरी हुई तेरे जैसी सुधरी, और उसका बाप गाड़ी को हाँ करेगा तो ही हाँ नहीं, मेरी तरफ से तो आज ही टाल है। अरे तुम बापू बेटा कौन सा मुझे कुछ समझो है, थारी ने कुछ हूँ मैं? दोनों खुद ही तो करते हो सारे फैसले अपने आप ही। देख लो जैसे करना तुम कर लो, मुझे नहीं पता कुछ। एक वो तेरा छोरा सरपंच बना घूम मैं, ऊपर से तू यहाँ प्रधानमंत्री बन गया मेरे सिर पे। कौन मार रहा था? इसके मारा था। किसने कैसे मारा था? ऐसे पल को गला था उसकी। अच्छा दादी गंदी हो रही है तेरी, दादी की तो पिटाई करेंगे, देखी बोल से खेलेगी ऐसे खेलेगी। क्यों कूद रही है? तुड़वा इन तंगड़ी इनको, चैन से भी बैठ जाकर, सारे दिन आखिरी काटता है कम मखत मारी। ले बाबा जी को दे, अले 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 अले, बाबा जी को दो, अले दे पकड़। माँ मंदिर जा रही है के? हाँ तू चले? ना बस मैं तो ये पूछ रही थी, पिताजी से करी तन्ने बात? अभी तो ना करे। कर लेती तो के खुसुर पुसुर कर रहे थे तुम रात कमरे में? ए उसे तो आदत है नींद में बड़बड़ाने की, आज करूंगी बात। मैं तो न्यू कह रही थी माँ, कर लेती। मर जा परे को कम मखत, तेरा बड़ी आग लग रही है ब्याह करवाने की। अरे
मूंदी आया नाका भाई? हाँ जी मूंदी आया। गेहूं में चला रहा पानी? हाँ जी। रहा तो तेरी माँ भी आली दिखे। हाँ पिताजी माँ तो आली, पर एक बात बताओ, तुमने ऐसा कितना दहेज ले लिया, तुम बोलते ही ना हो, कुछ माता डरो घने हो। अरे दांत ना दिखावे मुझे, पनी मेरे हाथ में। अरे जजमान बाल कते एक बड़े, अब आ जा आगे आगे, देखता जा तू भी, हम बता देंगे तुझे। लो खाना खाओ। आज तो घनी तावली रोटी ले आई भाई। ना खा रहे तो जान दो। ए? या तेरी बात चुखी भाई, अरे जब ले आई तो खुआ भी दे। माँ दे दे रोटी, खा ले। तो विवेक मैं एक बात कह रही। हाँ जी। मोना की गैल एक लड़का पढ़ा है कॉलेज में, और पास के गांव का ये एक प्रधान का। अच्छा। वो मोना को पसंद करे और मोना भी उस लड़के को पसंद करे। मैंने कह रही बेटा एक बार देख लो, समझ में बात आ जाए तो फिर रिश्ता कर लियो। अच्छा। अरे यू बलबीर ही है क्या बराबर वाले गाँव का प्रधान? हाँ वही है। कैसी बात कर रही तू लाजो है, इतने बड़े लोगों की हम टक्कर झेल लेंगे क्या? प्रधानों की बारात बता कितनी बढ़िया हुए, झेल लेंगे हम उन्हें है? और कितने बड़े मुंह हो, आजकल दहेज मांगे हैं दहेज। तुम मुझे ये जिंगे तिंगे की बात मत बता करो, जितना कह रही हूँ उतना सुन लो। उस लड़के ने बात कर रखी है अपने घर में, एक बेरा जाने में कोई परेशानी ना हो रही है। चल भाई देखूँ मैं, यू चतरे का जो राम सिंह है यू उसका अच्छा जानकार है, जानने तो नू मुझे भी है वो राम सिंह है, पर उसे ही भेजूंगा, बात करके देख लेंगे। पर फिर भी मैं कहूँ इनकी जोट ना भाई मारे पे झेल ली जा। पिताजी तुम एक काम करो, चाचा राम सिंह को बुला लो, वे बात करके देख लेंगे। चलो भाई जैसी भी अगर बात बन जाए तो। तुम एक बार चले जाओ उनके घर पे, बातचीत करो, बात बन जाएगी तो फिर इससे बढ़िया बात कौन सी है। अरे यू पेल्लू कहाँ रह गया? पता नहीं वो आ गया पेल्लू। और रुक जा इससे बात जब करूंगा, पहले एक पैक ले लूं। ले जल्दी ले, जल्दी ले। आ जा। आ रे भाई। लो भाई आ गई भाई के ब्याह की पहली दावत। उरी है। आया अभी तो तू घनी देर में ही आया। अरे चकने में टाइम लग गया यार, लेकिन लाया रिपोर्ट एकदम ओके हूँ। यू खिंडवा दी तेने सारी की सारी, धोखे से तो हो गया। ससुरा पिए फिरे जा पूरे दिन, इसका साले का न्यू नाम चल रही है। गाल कर दी सही, अब मुझे हम पी रहे हैं दारू, पर अब जब आगे बात करेंगे पहले पीऊंगी तो दारू क्यों बर्बाद इससे। इस तक के बात करनी और नाम धर लिया पेल्लू, पेल्ली तो इस पे जाती ना है। चल बे जैसे तेरी मर्जी, हाथ से ही टांग पकड़ रहा दिखे। पीले 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 और जीले और लेगा साला, मुझे इसके ढंग लग रहे हैं। और दे हूं। तो जेके भाई सवारी कौन सी ले रहा हो ब्याह में? चार पहियों की ले रहा हूँ, चार पहियों की, बाकी और सामान तो सब दे में ही है। अरे भाई तो फिर चार पहियों की दावत शाम को तू दे रहा आज? भुक्का मर रहा कतई, तुझे घर मिलता ना कुछ? 24 घंटे मेरे पीछे ही पड़ा रहे। घर रोटी तो मिल सके यार, कड़वा मुंह तो तू ही करवाओगा। आज ही सांझ को घर सल्फाज दे दूं, सल्फाज हो जाएगा मुंह कड़वा सा। बाजे के भाई बा, लोग तो बहू आने के बाद बदले कर रहे हैं, तुम तो पहले ही बदल लिए। पहले ही बदल गया मैं? साले दोनों हर वक्त मेरी दारू पियो और मुझे ही कह रहे हो बदल गया मैं। मार साले के। अरे उरी है। मार मार साले के। ये मार। तो गाल दारू ना साले, मैं भी रैप्टा मारूं। मार 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 कर अड़े से मार तेरा ससुरा ऐसा बेकार का बट्टा।
बदल गया मैं। हाल हाल। और सुन रे, तू दारू ना पी रहा तेरा बिहान होने का। अब पी ली तो मैं पियूंगा तो मैं। हाँ तो अब तेरा बिहाई का होना। हाल बैठा ले बन्नो, पकड़ ले बन्नो। अरे भाई आजा अब तो। अरे कहाँ रह गया, आजा नीचे। हाँ जी बस आ लिया चाचा, लिया। अरे आता होगा वो तो, तू तो आजा नीचे। आ लिया मैं भी। अरे भाई यू कैसा बालक है, है? जब कहीं बाहर जाना था टाइम पे निकलता, पर आज भी डांगरों में लगा पड़ा। भाई कुछ नहीं, क्या करें इसका। राम राम जी। राम राम। आलिया भाई राम सिंह। हाँ जी आलिया जी। अरे आजा अब तो राम सिंह भी आलिया। हाँ जी आलिया, बस चलो चलो चलो। भाई एक बात बता, राम सिंह जी बात बन भी जागी के? मुझे तो नू लगे ये आदमी घने तेज है, लोग बताओ है। तुम दिक्कत ना लो, मेरी बहुत तगड़ी बातचीत है, मैं सब देख लूँ। भाई हमने तो सारी चौधर तेरे पे ही छोड़ रखी, हम तो बेफिक्र हैं, जो तू करवाएगा करवा दिए। तेज तो हैं, पर मैं साथ चल रहा हूँ, तुम दिक्कत मत लो। अच्छा प्रधान जी हम तो चले, हमारे काम का ध्यान रखियो। बिल्कुल ध्यान रखेंगे जी, इसी काम को तो बैठे हम। राम राम जी। अरे जरा चाय बना लो, चोई साहब आए। राम राम जी। राम राम जी, बैठो जी। और प्रधान जी ठीक हो? हाँ जी सब बढ़िया। और बताओ प्रधान जी क्या चल रहा आजकल? बस जी ऊपर वाले की कृपा, लगे पड़े काम में। प्रधान जी आपके लुंडे ने तो बताया होगा हमान लग रहे। हाँ जी बता दिया था बिल्कुल। ये है जी सतपाल जी, इन्हीं की छोरी आपके छोरे के साथ पढ़े है जी, और ये भाई है जी छोरी के। और सतपाल जी घर में सब बढ़िया जी? सब बढ़िया जी, मालिक का कुदरत का सब आशीर्वाद है। और छोरे का ब्याह तो कर लिया होगा? हाँ जी काफी दिन हो गए जी। लो आप लोग चाय लो जी। लो जी लो जी आप भी चाय लो। लो राम सिंह जी। भाई तू क्या कर रहा है? अजी मैंने तो बस खेती थाम रखी है जी। बहुत बढ़िया भी बहुत बढ़िया। देखो ब्याह लायक तो हमारा जय भी हो लिया, 4 महीने पीछे उसके परचेसे हैं, वो उनके खत्म होते उसके ब्याह की भी देखेंगे। बात तो ठीक है रे प्रधान जी आप। प्रधान जी जमाना नया आ गया है, वैसे बालक अपने मन की करें, बाकी हमें ही दोनों को मिलजुल के करना है, बाकी आपकी इच्छा क्या है? देखो जी बालकों की खुशी भी देखनी पड़े है, वो उसके पेपर खत्म होते ही मैंने नहरवाई में उसकी नौकरी की बात कर रखी है, सारा जुगाड़ फिटफिटा रखा। महारा तो इकला ही छोरा आयु, भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक गाड़ी की इच्छा है जी। बाकी वो सब आपके ऊपर है जी। प्रधान जी हम आपस में एक बार सलाह कर लें, फिर आपको बताते क्या है। ठीक है जी ठीक है, सलाह करो बिल्कुल, ऐसी कोई जल्दी हमें भी ना। ठीक है प्रधान जी। राम राम जी। अच्छा राम राम। नए कृषि विधान, किसानों की समस्या का समाधान। कैसा रही रिश्ते की बात बनी है ना? बस क्या बतावे, मैं तो पहले ही नू कहूं था हमारी बात ना बनने की, वहां ए बड़े लोग हैं वे, गाड़ी मांग रहे, बता कहां से दे देंगे गाड़ी। छोरी इतने बड़े घर में जाओगी, एक गाड़ी दे दोगे तो थारा दम निकल रहा। अरे बकवास मत करे, इस ब्याह के चक्कर में ये खूड बेच दूंगे हैं, या छोरी तो मौज में चली जाएगी, यू के खाएगा तू के खाएगी हम के खाएंगे। अरे लड़ो मत, यू तो घर का मामला है, घर बैठ कर आराम से समझा लियो, माँ ऐसी कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की। एक दो बीघे बिकेगी ना सारी बिक जाएगी, इसका साला भी तो कर रहा नौकरी, यू कर लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, ना सारी जमीन बिक जाएगी, कम से कम छोरी तो सुखी रहेगी। पिताजी बांगर वाली जमीन है 2 बीघे, उसे बेच देंगे, वहाँ उसमें कुछ पानी की भी दिक्कत है और वहाँ कुछ खास होता भी ना। लल्ला तू समझ ना रहा है मेरी बात को, अरे उनकी हम आज मांग पूरी कर देंगे, कल को वे नई मांग न उठाएंगे के, हैं? तू समझ नहीं रहा उनके घर में कुछ कमी है के, बता। ए जहाँ मेरी छोरी कह रही है वहीं ब्याह होएगा, और थारी बस की ना हो तो मना कर दो, मैं अपने भैया से कहूं, इतना तो कर ही देगा वो जो ब्याह कर दे छोरी का। हाँ इतना तो वो कर ही देगा,
ए? उसके तो नोट सूख रहे ऊपर, हमें पता। जब बिजली के बिल के लिए पीसे मांगे थे ना, के हो गया था क्या ही बेरा लिया है अपने भैया से? अब छोटी चीज जो की मांगते रहो पैसे में। दिखे बकवास न करे, तेरे घर का दिया ना चल रहा है इस घर में कुछ भी, समझी? नहीं कह दो, करके दिखाओ ना कुछ। और कौन करन लग रहा है इस घर में? हैं, मैं बीमार ना होता ना फिर देखती। इसका देख रंग भी पीला पड़ लिया काम करते करते, बकवास करन लग रही। पिताजी जितना हक मेरा इस घर में उतना ही मोना का है, तुम चिंता मत करो, तुम ब्याह की तैयारी करो बस। भाई तुम्हें जिसे जो करना है कर लो, जो कोई समस्या आई ना तुम आपको झेलियो। आ भाई राम सिंह, इसने सिर खा रखा मेरा, तू चिंता मत करे। आ जा भाई, ले ये देखिए खिलौने, ले ले, अरे चुप हो जा, ले ले ले, देख 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 देख। मोना, मुझे लगे भूख लगी दिखे लाली को। ए मोना, मोना आई पिताजी आई। ए आजा जल्दी, अरे मेरी गुल 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 गुल। जी पिताजी। भूख लग रही इसे देख, कितनी देर से रोन लग रही, सुनता ना तुम्हें। ले ले जा इसके खिलौने भी, ए ले जा खिलौने, ले जा इसके, पागल बनाए रखो लाली का, ध्यान नहीं रखते इसका बिल्कुल भी। अरे से जिन्ने को बंद कर लियो ऊपर, समझ गई? कदी नुई छोड़ू रखो, ए आप फेर नीचे को भाग के आवेगी, मेरी गुड़िया खेलेगी। अरे मेरी गुड़िया रानी, हेलो। अरे थारी भाण का यूके हो गया, अरे हो, हे भगवान, अरे मारा तो नाश हो गया, अरे मेरी बेटी। ओए राम, विवेक क्या हुआ पिताजी? नाश हो गया बेटा, घर का नाश हो गया। अरे ऐसा क्यों हो गया? लाली ना रही पिताजी, गुड़िया गुड़िया गुड़िया। अरे मेरे बच्ची का क्या हो गया रे? गुड़िया विवेक, अरे ऐसे क्या कर गई हो? गुड़िया पिताजी, गुड़िया विवेक चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, इतने दिन कोई आई हो मार धोर है गुड़िया। किस जन्म की सजा दे दी, फूल सी बच्ची छीन ले गया। चुप हो जा बेटा, मारे दो रही इतने दिन को, चुप हो जा। खेल ली यूं बस इतने दिन को, यही मार दो, चुप हो रो मत। गुड़िया क्या हो गया यो, देख लिया तेरा कलेश, देख तेरा कलेश, कर दिया घर का नाश, फूल सी बच्ची, क्यों भेजा था मैंने उसे ऊपर, मुझे क्या बताता ऊपर वाला और ऊपर बुला लेगा, तेरे कलेश ने इस घर का नाश कर दिया, देख फूल सी बच्ची को, फूल सी बच्ची को ले गया वो, देख फूल सी बच्ची को ले गया हमारे। विवेक चुप हो बेटा, रो मत।
चुप हो जाओ, रो मत। कब तक पड़े रहोगे आसन पार्टी से लेके? कब तक उसका शोक मनाओगे? अब उठो, ऊपर को काम धाम देखो। मुल्ली ना जाती मेरे पे, बहुत याद आवे लाली। मुल्ली ना जाती, लाली तो मरी है। क्यों भेजी थी ऊपर मैंने वहाँ? लाली तो मरी है, उसकी माँ तो जिंदा, और हो जाएंगे बालक। अरे कैसी बात कर रही है तू? और बता रही, बालक हो जाएंगे? इस गांव में मैंने बात कर रखी है पड़ोस वाले में, सह बदलने की दवाई देवे। अब के मुझे लड़का चाहिए, अब के मैं गौर करूंगी इस चीज की। अरे लड़के और लड़की में के अंतर है? पर मुझे तो मेरी लाली चाहिए। मुझे ना चाहिए लाली वाली, लाली चाहिए मुझे, लाला चाहिए अब के। अरे डर जा उस ऊपर वाले से, डर जा, वो भेजेगा जो भी भेजेगा, डर जा उससे। तुम इतनी याद कर रहोगे ना तो ही आ जाएगी दोबारा से। अरे मेरे घर में मेरी लाली आ जा, उससे बढ़िया कुछ नहीं रहने का। उठ जाओ और खेतों पर चले जाओ। मुझे छोड़ दे तू, चली जा चली जा, मुझे मेरी लाली याद आवे। तुम्हारी होगी आदत खराब, पड़े रहो नहीं, भला रोने से कोई बात हल हो जाएगी के? भाई एक बात बता, यू पेलू के पेल रहा पेपर में, आज ही पास होके मानेगा मेरा सुसरा? झारी वाली भी ना आ रही, पता ना कितना रट्टा मार का ये लिखे लिखे जा रही है। बुरा अरे कहाँ मर रहा था तू मेरा ससुरा, इतनी देर लगा दी तने? काय का पर्चा था यो आज? अरे मेरे ससुरे बाबू नाई के भगत, तू पल ही काय को रहा? गांव के चुराहे पे नाई की दुकान खोल ले जाके। भाई ओ पढ़े लिखे, कर्म तो तेरे भी ऐसे ही है, पिंचर की दुकान तो तू भी खोल लगा एक दिन। अरे हम तो लगाऊंगे पिंचर। कहाँ रहेगी? चल रे, तुझे नई की दुकान खुलवाऊंगा, चल पीछे ना देख के आगे चल। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत बढ़िया गया, जितना मैंने याद कर रखा वही आया सारा। कुछ याद भी है तुम्हें? ना तुम पे कॉपी, ना किताब, ना तुम कभी क्लास में आते। बस अब तू याद है मुझे, और ब्याह भी नजदीक आ रहा हमारा। अभी तो 4-5 महीने है शादी में, आज तो पेपर भी खत्म हो गए, अब कैसे तुमसे मिलना हो पाएगा? मेरा तो टाइम भी नहीं कटेगा। मैं फोन कर दूंगा खेत में आज ही मिलने। ना मैं 4-5 महीने इंतजार कर लूंगी। चल बैठ, चल तेरे घर छोड़ देता हूँ तुझे। ढंग से तो बैठ ले, 4-5 महीने मिलने की वैसे मना कर रही है। चल पकड़। सीमा गुड़िया कहीं, सीमा
कैसे जिएंगे गुड़िया मेरी गुड़िया हमारी बच्ची हे परमपिता परमात्मा अपनी मेहर हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखना। हे परमपिता परमात्मा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हे परमपिता परमात्मा मुझे ना कोई न जमीन चाहिए न जायदाद चाहिए न धन चाहिए न दौलत चाहिए। बस अपना आशीर्वाद हमारे इस परिवार पर बनाए रखिए। अपनी दया दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखिए हे ईश्वर। हे ईश्वर दया मालिक दया दया। अरे बहू जी पिताजी यू क्या कर रही तू है? तेरे पे आराम न करा जाता आगे? ना पिताजी। ना पिताजी बता रही है। ए मोना मोना। जी पिताजी। तू ना कर सकती यू झाड़ू बारी है? बहू लगा रखी तुमने। जी पिताजी। राम राम। राम राम भाई। ए तू रातों तो इस काम में मंडा रहे या तन्ने और नौकरी करनी शुरू कर दी? ए बीमार पड़ जाएगा। नाश्ता कर ले। अरे काहे का मरमरा रहा जो तू इतना काम में लगा पड़ा? पिताजी एक बात तो बताओ प्रधान जी कम से कम 500 आदमियों की बारात लेकर आओगा पैसे जरूरत तो पड़ेगी। भाई इतना काम में मंडेगा ना बीमार पड़ जाएगा समझ गया? कुछ नाश्ता पानी कर ले। आप हाथ मुंह धो लो मैं नाश्ता लेके आती हूँ। जा। लाई ना नाश्ता। अरे वो दूध गर्म हो रहा है। पिताजी सही कह रहे थे आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। अरे थोड़े दिन की बात है सब ठीक हो जाऊंगा। ठीक है आप कपड़े बदल लो मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। एक बात तो है राजवीर। हाँ चौधरी साहब। भाई घर में एक और लक्ष्मी आ गई। हाँ यू तो है देखो जी। एक जा रही है जी और दूसरी आ गई। बस जो माया उस पर माया तो खुशी की बात। चौधरी साहब राम राम। अरे राम अरे राम प्रधान राम जी राम राम जी राम राम। लो जी अजी इसकी क्या जरूरत थी? अजी अब तो रिश्तेदारी हो गई। अरे तुम्हारी खुशी थोड़ी है हमारे लिए खुशी की बात है। अरे चौधरी साहब बैठो ना। बड़े बड़े आदमियों की बड़ी बात प्रधान जी। ए मोना बेटा चाय ले आइए। देख प्रधान जी आए। घर में सब ठीक तो है? घर में सब बिल्कुल ठीक है। प्रधान जी एक बात तो बताओ थारी मील पे जो ये किसान हंगामा करने लग रहे यू भुगतान की लिया? मैं तो नू कहूँ अगर यू 14 दिन में 15% ब्याज मिलने लगे ना यू क्लेश ही कट जा। पर एक बात तो बताओ सभी परेशान हो रहे भाव अब कभी बढ़ेगा नहीं इस गन्ने का? देखो जी मुझे तो लगता ना भाव बढ़ जा रहा है। सरकार की नीति हमारी तो समस्या। सही कह रहे हैं बात तो प्रधान जी आप सही कह रहे जी। नमस्ते जी। लो चाय लो प्रधान जी। चाय लो जी चाय। एक बात हो रहे प्रधान जी। जी इस देश में सबसे ज्यादा दुर्गति इस किसान की है पर इस किसान के लिए सरकार भी कुछ ना करती। वोटिंग के टाइम पे नेता किसानों के पैर में पड़े रहे हैं अरे जीतने के बाद झांकते भी नहीं। सही कह रहे हो राजवीर सही कह रहे हो। क्या कर लें? ले आई बेटा। लो भाई देवती से मिलो अपनी है। आराम से आजा आजा। अरे वाह कितनी प्यारी बच्ची है भगवान इसे सदा खुश रखे। लो आराम से आराम।
ले बेटा ले जा जी, आराम से लीजिए, बैठो जी। विवेक दिखाई नहीं दे रहा, जोई साहब कहाँ गया? अजी वो अपने साले की साथ अस्पताल लो गया, असल में इनका बालकों का वो जन्म का कुछ बने है ना जी, हाँ जी उसी के कागज पत्र लेन जा रहा। हाँ वो काम भी बहुत जरूरी है आजकल। मम्मी जी बहुत देर से रो रही है, थोड़ी देर ले लीजिए। क्या करूँ फिर, तेरे पे एक बालक नहीं सिमल रही हूँ है? तू तो खुद करती रहा काम, यू और धरती मेरे छाती में पैदा करके तू ही बता रही थी मेरे तक खून फूकने को। एक एक बालक भी तम पे ना संभलते। अरे वाह, आज तो पोती दादी की गोद में, यू सूरज आज पछुआ से निकल आया क्या? लो पकड़ो, ला हमें दे, हमारी लाड्डो है। अल्ले माली बेटी आहा। अरे हे भगवान, के हो गया लली, के हो गया मोना? अरे मेरी बच्ची, क्या हो गया मोना? ए मोना, ए मोना, अरे इसके तो दांत वांत कुछ भी ना हिल रहे, कैसे करो? अरे चलो लेकर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। विवेक भैया जल्दी घर को चलो, मोना दीदी चक्कर खा के गिर गई, उन्हें ताऊ ताई हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा इस हरामजादी ने मेरी छोरी पे तो कुछ करवाई दे दिखे। अरे कुछ ना करवा रखा, चक्कर आ गया होगा, अस्पताल है यू। मुझे तो ऐसा ही लग रहा कुछ जादू टोना ही करवा लाई हो। पिताजी के भैया मोना को? अरे कुछ ना भाई, चक्कर आ गया था, रसोई में गिर गई थी। वाह तेरी लुगाई ना कुछ करवा दे मेरी छोरी पे, और बीमार हो रही है, उसका तो दो बीघे जमीन की आग लग रही है, कदी वो बिक के मेरी छोरी का ब्याह हो जा। लज्जो फालतू की बकवास ना करे, बस नहीं करते रहे, एक चुप हो जा, जा मेरी छोरी मर जा, मुझे ही चुप करते रहे। डॉक्टर साहब के हुआ मोना को? देखिए जी डॉक्टर साहब, आपकी बेटी कैसी है जी मोना? अब ठीक है तबीयत उसकी, आप लोग मेरे केबिन में आओ। जी बैठिए, अगर आप इनको लाने में जरा भी देर करते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब, तड़गिलो तो बिल्कुल ठीक थी, कूदती फिर रही थी। अच्छा ये बताइए, इससे पहले कभी इसको पेट में बहुत ज्यादा तेज दर्द और उल्टी की शिकायत भी हुई है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ जी। इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, इसकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं, उसकी वजह से इसके लीवर पे भी डैमेज का असर आ चुका है। डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगी या तुम्हारे घर की लक्ष्मी है? बाबूजी मेरी बात जरा ध्यान से सुनना आप, अगर किडनी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो उसको डायलिसिस के द्वारा बचाया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इसकी रिपोर्ट देखकर और इसकी कंडीशन देखकर कि ये उस स्थिति से बाहर जा चुकी है, इसको किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा ही बचाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? आपको सबसे पहले किडनी डोनर का इंतजाम करना पड़ेगा, और वो डोनर आपके परिवार का ही होना चाहिए, इसका ब्लड ग्रुप भी मैच करना चाहिए, तभी इसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, किडनी मैं दूं अपनी? नहीं पिताजी, आप पहले ही बीमार हो, किडनी मैं दूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? देखिए अगर परिवार का कोई डोनर ही किडनी देता है तो आप मान के चलिए तो इसमें लगभग 3 लाख का खर्चा आएगा, और इसको हम दवाई के सहारे ज्यादा से ज्यादा 20 या 21 दिन तक जिंदा रख सकते हैं, इसके पास समय बहुत कम है, आप जल्दी से जल्दी पैसे का इंतजाम कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, वैसे हम मोना को घर तो लेके जा सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो, ये मैं मोना की कुछ दवाई लिख रहा हूँ। ये मोना की दवाइयाँ हैं, इनको समय समय पर देते रहना और खाने को बहुत कम देना है, इनको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। अगर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, मेरा और मेरे हॉस्पिटल का नंबर इस पे लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम भी कर लेंगे। ये तो बड़ी दिक्कत होगी चोरी साहब। पिताजी मोना की 2.5 लाख रुपए की एफडी पूरी होगी, मैं कल जाकर बैंक से पैसे कटवा लूंगा। भाई यू काम तो तू कर लेता होला। चोरी साहब 50,000 का इंतजाम मैंने भी कर रखा है,
तुम चिंता मत मानियो, सब ठीक हो जाएगा। रिश्तेदार तुम सब का ही सहारा भाई। पर एक काम और करियो, तुम कल दिल्ली चले जाओ, एक किडनी का स्पेशल डॉक्टर है, उसे रिपोर्ट दिखा लियो, यू है उसका कार्ड। पिताजी कल तुम दिल्ली हो जाओ, पैसों का इंतजाम मैं कर लूं। कर भाई कर, इस काम को भी करवा ले, जरूर जाऊंगा दिल्ली, बाकी आज्ञा भगवान मालिक। राम राम जी। राम 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 जी, बैठो। बैठ गए जी। और मोना के क्या हाल चाल है, क्या बताया डॉक्टर ने? प्रधान जी उसकी तो किडनी खराब होगी, कल दिल्ली जाऊंगा, वहां डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, देखो फिर ठीक हो जाएगी। अब लोग कहां दिखा रहे थे? यही दिखाया जी, अभी तो सरकारी अस्पताल में ही। देखो जी मैं तो चाहूँ थारी छोरी जल्दी ठीक हो जाओ, पर मेरा तो इकलौता ही छोरा जी, मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी ऐसी लड़की से करूँ ना जिसके जीने का पता ना मरने का। प्रधान जी हम मोना का पूरा इलाज करवाऊंगे, कोई कसर नहीं छोड़ दें, चाहे हमारी सारी धरती बिक जाइए। प्रधान जी ऐसा ना कहो, थोड़ा सब्र रखो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, ईश्वर ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। देखो जी मेरी बात का बुरा तो मानियो ना, मैंने कोई खैराती अस्पताल ना खोल रखा, जहाँ से मैं रिश्ता हूँ और अपने घर में ले जाकर भर्ती कर लूँ। मुझे अपने छोरे के लिए लड़की चाहिए, ना कि कोई मरीज चाहिए। चोई साहब थोड़ा सब्र से काम लो, आजकल हर एक बीमारी का इलाज हो जाता है, और विज्ञान ने बहुत तरक्की रखी है चोई साहब। देखो जी मैं कोई धर्मात्मा तो हूँ ना, जो यहाँ से तो मैं डोली लेकर निकलूँ और अपने घर जाकर अर्थी की तैयारी कर लूँ, भाई मारी तो टाल है भाई। चलो सबर खुचो साहब। हे भगवान क्या सोचा था, क्या हो गया। आ जाओ पिताजी। अरे बेटी बस 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 बैठी रह, बैठी रह, बैठी के ढबा बेटी। अब ठीक हूँ पिताजी। तू चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। पिताजी मैंने ये फैसला किया है कि मोना को किडनी मैं दूंगी। सच में बेटी, सच में तू उस घर की लक्ष्मी है, जितना तू इस घर के लिए सोचती है ना, इतना कोई नहीं सोचता होगा। बिल्कुल अपनी मां पर गई है। खुश रह बेटी। बीड़ी लगा ले, खत्म हो गया मंडल। ऐसे कैसे हो गया भाई खत्म? हो गया तो हो गया, कल तो मंगाया था, दी गई है। अरे खत्म हो गया यार। अबे भिंडी निकल के उसे दिखा ले, सारे के मुंह पे इतने कुट मारूंगा। धीरू भाई खत्म हो गया। यूरा अरे पल्ली जेब में दिखा। अरे धीर अरे अरे दिखा दिखा। यूरा क्या कर रहे हो तुम? कर लो। मुंह दिख गई है सारे, अभी तो तू ले रहा था। मैं कह रहा हूँ खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो मैं क्या करूं? यूरी यूरी खत्म हो गया। माजी दे ले लगा। अबे मेरे ससुरे भुंडी शकल के रखे सिगरेट का पैकेट और लिख रहे बीड़ी, वो भी टूटी हुई। तेरा कुछ नहीं होना। अब मेरे मालिक तो आप हो धीरू भाई। अरे धीरू भाई हाँ? जेके का तो नंबर आ गया हाँ? मारा भी नंबर आवेगा के ना? अबे मेरी सुसरी की बिया जेके का हुआ या तेरा हुआ, उसके तो नंबर आना ही है। अरे धीरू भाई मैं अपने बिया की बात कर रहा हूँ, मारा बिया भी होगा के ना? उड़े को ये आ जा, टोपी ला। टोपी ले मेरे सुसरे की हमारे काम ही ऐसे है। एक बात सुन, मेरा तो 1% हो भी सके पर साले तेरा नहीं होना, तेरी तो गुस्से जैसी शकल है साले, भैंस की आंख है।
अरे जीरू भाई, अरे घर के भी तो मेरे लिए चोरी देखने को मिला जी रहा है। वही हाल तो मेरा हो गया, जिस चोरी को मैं मेरे से ब्याह होने वाला था, मेरी सेटिंग होगी थी ना, उसके भी सबसे गया दो बालक मिली। अब धीरू भाई, हाँ भाई, अब तेरी उम्र भी तो घड़ी होली। मेरी उम्र? सुनिए टोपी तार, मेरे सुसरे भुंडी शकल के इतनी दवाई के वैसी चल रही, मेरी 45 की उम्र है। इस शनि देवल से 1 साल कम होगी मेरी उम्र, ऐसे थोड़ा ही ना कुछ। तू जेके जेके करता फिरे है ना, वो सुकड़ी सी शकल का आजो, वो दिन में मेरे घर आया था फोटो लेके, वो अपनी वाली को ईख में लियो हंडे ले ले धार, तू भी चूक ले गंडे। सारे दुख मुझे भी और तुझे भी। ले पी तू भी। तू यार मेरा यार बहुत बढ़िया इंग्लिश वाले बे यार, तू जो ना भाई सुन, देखो एक बात बता रहा, दुनिया में यारी सबसे बढ़िया, जारी कुछ भी। ले बेटी पूरे 50 जा रहे हैं ये। जी पिताजी। ले इन्हें संभाल के धर दे। पिताजी गई दिल्ली? हाँ, साथ में माँ भी गई है। और सुनो, पिताजी 50,000 रुपए लेकर आए। अच्छा चलो, 3 लाख रुपए पूरे हो गए। देखो जी डॉक्टर क्या बतावे। फिलहाल तो मैंने इसको इंजेक्शन दे दिया, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है, शाम तक ही ट्रांसप्लांट के जरिए उसको बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब हम पैसे ले आए, तुम काम शुरू कर दो। डोनर कौन है आप? मेरी बहन है जी। आपको तो 2 महीने पहले बच्चे की डिलीवरी हुई है, अगर आपकी किडनी लें तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मोना की जान बचानी बहुत जरूरी है, उसको मेरे अलावा कोई किडनी नहीं दे सकता, आप प्लीज मेरी किडनी ले लीजिए। पर आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा जिम्मेदारी डॉक्टर साहब, मैं इसका बाप हूँ। शादी के बाद पिता से ज्यादा पति की परमिशन की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है, आप लोग 3.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए और पेपर साइन कर दीजिए, हम प्रोसेस शुरू कर देते हैं। और हाँ, एक डॉक्टर को अलग से बुलाना पड़ेगा, 1 लाख रुपए उनकी फीस है। विवेक ये लो, जितने में बिके उतने में बेच दो, फिलहाल मोना की जान बचानी बहुत जरूरी है। पिताजी 3 लाख रुपए तो जमा करा दिए, मैं बाकी के पैसे लेके आता हूँ, तब तक आप यहाँ ध्यान रखना। यहाँ की चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। ठीक है पिताजी।
बल्लू। अरे विवेक भाई आजा बैठ। भाई बैठने का टाइम ना है, मोना अस्पताल में भर्ती है, मुझे जल्दी से 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है। अच्छा तू एक बार खेत पर राजा को लेने की कह रहा था, मुझे 50,000 की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं 50,000 में दे दूंगा। तू रुक मैं पैसे उठा लूं। चल विवेक भाई तू ईमानदार आदमी है, मुझे पता तू झोटे मजबूरियां बेच रहा, तेरे झोटे के पहले भी 58,000 रुपए लगाए थे और आज भी 58 ही दूं, दिक्कत लेगा ना भाई। राजा का ध्यान राखी। ठीक है मैंने इसे बड़ा किरड़ पाला, इसे किसी को मत दी। ठीक है मेरे पे जब पैसे होंगे तो भाई मैं इसे वापिस ले लूंगा। और तू चिंता मानिए ना बिल्कुल भी, अगर तुझे पैसों की जरूरत हो ना तो बेझिझक आके घर पैसे लेके जाइए। ठीक है भाई। ले पैसे पकड़ तू पहले, गिन लिए पूरे 58,000 और झोटा खुलवा दे पहले। आजा भाई आजा। चले भगवान भी लग गए सो गया रे, गिन गिन के दुख दिए राम ने, टेम यू कैसा हो गया रे। तेरी जय हो देश के हारी, तेरी जय हो देश के हारी। तेरे चार बजे तू उठ हर जोड़े बर खेत जिटकारी, तेरी जय हो देश के हारी, तेरी जय हो देश के हारी। खेत बजावे होए गर्मी र सर्दी कितनी र पड़ती, बिल्कुल ना घबरावे अपने काम में मेहनत करके खूब पसीना बहावे। रे तू तो भूखा प्यासा तेरे लुओ न तप जाना, छा में बैठा न पावे
रे पड़े रे पा साठू खेत ने बावे पड़े पान साठू खेत ने बावे ठीक कर जावे घर याली रे तेरी जय हो जे से के आड़ी तेरी जय हो जे से के आड़ी तेरे चार बजे सूरज उठ हाल जोड़ पर खेत डिटकारी रे तेरी जय हो जे से के आड़ी तेरी जय हो जे से के आड़ी फसल पकावे रे खाद रे पानी के रे टेम पे चाहे कर्जवान भी हो जावे कहीं आंधी कहीं ओले झाड़ जा पकड़ पेट खे जावे रे बाकी रे पूंजी तेरी रे जो रह जा उसे वे सांस कटिए ना आवे सुख का सांस कटिए ना आवे तेरे घर में रे कंगली तेरी जय हो जे से के आड़ी तेरी जय हो जे से के आड़ी धोती टूटे रे लिटर बाकी काजी उगाड़ा अरे कहीं भैंसे रात जारे डांडा बैठ जा रे जी ने खाड़ा गुरु बाली राम मेरा इस खेती रे चारी बटे मैं बिटारा अरे बीर बावेड़ा यू के आड़ी तेरी जय हो जे से के आड़ी। अरे हो गए भाई पैसे जमा? हाँ जी हो गए। ऑपरेशन सक्सेसफुल, दोनों पेशेंट बहुत अच्छी हालत में हैं। फिलहाल नींद का इंजेक्शन देकर उनको सुलाया हुआ है। हे भगवान, हे परमात्मा, ईश्वर तेरा बहुत शुक्रिया है जी। ठीक हो गया सब भाई, सब ठीक होगा। बैठ लो। छोरा दुखी हो रहा बहुत। पिताजी, मोना का तो अब आराम है। भाई बस ऊपर वाले ने मारी लाज रख ली। लोग नू बतावे किडनी का मरीज बहुत मुश्किल बचे है। सुनो जी, गया जोरू का गुलाम। तंदे मारे धोरे बैठ जा तो बैठन नहीं देती हो। कम बोल लेकर, कम बोल लेकर। तमे तो मेरा कम बोलना ही दिखाई दे रहा। तमे ने दे रहा कुछ भी दिखाई। कर कलेश, मैं क्या कर सकूं? कर कलेश। पिताजी, सीमा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। भाई एकदम ले जा और अच्छी ढाल दिखवाइए डॉक्टर के। उसे तो बाहर ना चाहिए घूमने को, इसका ना कुछ भी बीमारी मारी। माँ एक बात बता, उसने के ना करा इस घर की निया?
उसने अपनी जान की परवाह करे बिना अपनी किडनी दे दी, अपना मंगलसूत्र बेच दिया, और तू उसके दर्द को दर्द ही समझ रही। अरे कम बखत, जब से मेरे घर में आई है ना, नास ही नास हो रहा मेरा तो। कम बखत तो मैं हूँ, मैं उसे लेके जा रहा हूँ मैं नाने को वापिस। अरे यू तो चाह रही हो क्या, तुझे लेके कहीं बाहर रहे हमसे अलग करे, और क्या चाह रही है, यू ही चाह रही हो? और तू अंधा हो रहा, तुझे ना दिखाई दे रहे माँ बाप भी? हाँ माँ मैं अंधा होगा बस, तेरे तो 24 घंटे कलेश में जी लगे, तुझे तो कलेश चाहिए बस। अरे मैं कर रही हूँ कलेश, तुम कर रहे हो कलेश, घर छोड़ के जा रहे हो जो? मैं जीते जी इस घर में लौट के नहीं आने का। पता लग जाएगी बेटा, जा चला जा। देख लिया है इस घर का नाश ही होगा, आज मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरी बात खाली न जाती। उतना से नाश और लग रहा है, उतना से ना दिख रहा था मैं, तेरी बदौलत होगा नाश। सही है, निकलो मेरे घर से, करो खाली। कमबख्त जब से आई है मेरी छाती भी मूंग दल रही है, उत्ती के माँ तो है ना, इसने मेरा जन्म दुखी कर दिया, जब से आई है मेरा खून चूस के धर रखा, निकलो जाओ। सीमा तू माँ की बात की चिंता मत करे, माँ की तो आदत है बड़बड़ करने की, राई का पहाड़ बना दे हर बात को, हम डॉक्टर के पास जाकर दिखाओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? माँ पता नहीं समझती क्यों नहीं है, मैंने 20 बार कह रखे माँ तू चुप रहे कर, मानती ना है, मैं फंस रहा हूं उनके चक्कर में, माँ सुनती नहीं मेरी, के करूं, कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, मेरा जन्म दुखी कर रखा, नौकरी करूं, खेती करूं, बालक देखूं, के करूं, अकेला आदमी के करे, पर समझ में नहीं आती, नाश कर रखा पूरे घर का, पता ना कद समझ में आओगी, उम्र हो ली अब, पता ना कद, और अरे यार मैं तो पहली परेशान हूं। विवेक, सीमा क्या हुआ? विवेक बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। सीमा क्या हुआ? सीमा ले से पकड़िए, गाड़ी रोको। सीमा गाड़ी रोको। सीमा तुम ठीक हो? सीमा गाड़ी रोको। ना तेरे हाथ में टोकरा हैं? और मुझ बीमार मानस को देख ले, अब डांगरों में करवाएगी, बुढ़ापे में मेरे हाड़ गोड़ तुड़वाएगी, लाऊं मैं कटेड़ा खोर पे, चल तू नियार डाल में लाऊं। ताऊ जी विवेक भैया का एक्सीडेंट हो गया गांव वाले रास्ते पे। अरे के कह रहे तुम? अरे मेरे बच्चे का क्या हो गया? अरे मेरे बच्चे, अरे कुछ उठा के भी ले गया अस्पताल में उसे। अरे कैसा हो गया एक्सीडेंट? अरे मेरे बच्चे, मेरा बच्चा, अरे विवेक, अरे मेरे बच्चे, अरे क्या हो गया? मेरे बेटे को कोई उठवा दो, अरे अस्पताल ले चलो इसे। चौधरी साहब, अगर ये थप्पड़ पहले मारा तो आज ये नौमत ना थी।
हमारे खानदान में औरत को उधर पांव की चुत्ती समझा जाता ना, तो मैं इसके थप्पड़ बहुत पहले मार देता। हमारे खानदान में औरत को सरकताज समझा जाता, इतनी बुरी नहीं थी ये। पूरा घर मजदूर बन के इसने कमवाया, कभी किसी काम से पीछे ना हटी। पर या तो अपनी बहू को अपना न सकी, बिन माँ की बच्ची को अपना प्यार न दे सकी, इससे दूरी बनाते चले गई। इसने ये नहीं सोचा जो तू अपनी बहू के लिए परछीते लग रही, ये तेरे बेटे के शरीर में जाके धस रही। उससे ज्यादा दुखी तेरा बेटा हो रहा जितना उसे दुखी तू कर रही। रिश्तेदार सबसे ज्यादा बदनसीब बाप है वो, जो अपने कंधे पर अपने जवान बच्चे की लाश ढोए, जो अपने कंधे पर अपने जवान बच्चे की अस्थि लेकर। चौधरी साहब, पर उससे भी बदनसीब अभागन ये औरत है, जिसके पास अब कभी खुशी नहीं आने की। इसके पास जिंदगी में खुशी आई तो इसे अपने बच्चे की लाश दिखाई देगी, जिसके कलेश ने आज उसके घर के बच्चे को आज सड़क पर लाके खत्म कर दिया। बहुत अभागन औरत है तू, बहुत अभागन औरत है, अपने बच्चे को खागी कमबख्त, अपने बच्चे को खागी। कर ले कलेश, कर कलेश, देख तेरा बेटा मरा पड़ा है। देख आज दुनिया वालों, मैं सबको बता रहा हूँ, अरे तुम्हारे घर में जो बहू आती है ना, वो तुम्हारे बच्चे की खुशी होती है। उस बहू को तुम परेशान करोगे ना, तो तुम अपने बच्चे को परेशान करोगे। चौधरी साहब, मुझे पहले ही पता था, और देख मेरी बेटी का दिल कि मुझसे एक बार भी इसने नहीं कहा। अरे तू बदनसीब नहीं, अरे तू तो गैर जिम्मेदार आदमी है। रिश्तेदार जो कहना है कह ले, मेरे तो घर का राज हो गया, मेरे तो घर का राज हो गया रिश्तेदार। मेरी बेटी, रिश्तेदार, मेरे बच्चे मुझे दे दे रिश्तेदार। किस हिसाब से दे दूं ये बच्ची मैं तुझे चौधरी, जब तूने इस बेटी का ही ध्यान नहीं रखा तो इसका क्या रखेगा। राजवीर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी बच्ची मुझे दे दे, इस बच्ची को मैं पढ़ाऊंगा, इस बच्ची को मैं लिखाऊंगा, मेरी बच्ची एक दिन मेरा अभिमान बनेगी।